नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। या दोस्तों बिल्कुल, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर पार्ट 3। और इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर के पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स पढ़े थे, ठीक है, ICR के लिए, और हमने फ्रूट क्रॉप सारी कंप्लीट कर दी थी। आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है। ये लंबी वीडियो जाने वाली है, एक ही वीडियो हॉर्टिकल्चर पूरा कंप्लीट होगा, वेजिटेबल क्रॉप्स हम सारे पढ़ने वाले हैं। और हम यहाँ पे जो कवर करेंगे आज, वो हम करने वाले हैं फ्लावर क्रॉप्स, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्लावर क्रॉप्स एक वीडियो में क्लियर होगा। आपको पता है परसों का एग्जामिनेशन ICR का, तो बहुत ही कम समय है हमारे पास है, ठीक है। आपका रिवीजन हो रहा है, मैंने आपको नोट्स पहले भेज दिए थे ग्रुप पे नीमरा सुंडा की बुक के, कि आपको वो पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं रिवीजन बेस्ट लेके आऊँगा, बिकॉज मैं बीमार था, तो उस वजह से, फिर बीमार होने की वजह से मैं बिल्कुल घर निकल गया था, तो फिर अभी घर से ही मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ। इवन मुझे निकलना पड़ेगा अभी भी, ठीक है, तो मंडे निकलना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से तो मैं क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि अभी वेट भी लॉस बिल्कुल हुआ है, 3 किलोग्राम 1 महीने में वेट लॉस हुआ है, तो उस वजह से चक्कर आ गया था मार्केट में जाके, तो वो सारी दिक्कतें थी, तो आपकी क्लास नहीं ले पाया, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। हाँ आर्यन कटोच, मैंने देख लिया था आपकी कॉल मुझे आ रही थी, ठीक है, बट मैं क्लास में, फिर क्लास कंटिन्यू कर रहा था, फिर मैंने कॉल नहीं उठाई आपकी। और चलिए, ज़्यादा टाइम समय नहीं लेंगे, मुझे आप सभी बताओ कि मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को, और स्क्रीन सभी को विजिबल है, बिकॉज यहाँ पे वाईफाई सुविधा नहीं है घर में, ठीक है, तो उस वजह से आपका मैं सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से आपकी क्लास ले पा रहा हूँ। तो क्लास में सभी कंटिन्यू रहिएगा, क्लियर है, तो क्लास में कंटिन्यू आपको रहना है, आपको बिल्कुल भी क्लास लास्ट तक छोड़नी नहीं है, ठीक है। बाकी कल एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेके मैं आऊँगा। अभी बायोलॉजी की आज आपको मिलेगी, बायोलॉजी आपको कैसे टैकल करनी है, भाई कल मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा। टेस्ट कल आपको मिलेंगे, 2-3 टेस्ट आपको कल ऐप के अंदर मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आपको कल मिलने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलो हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेबल, हम स्टार्ट करेंगे पोटैटो से, ठीक है। हम पोटैटो से, यानी कि आलू, आप सभी ने खाए होंगे, ठीक है। अब आलू की बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, पुअर मैन वेजिटेबल क्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है। पुअर मैन यानी कि गरीबों का भोजन। अब हर एक गरीब इंसान है, ठीक है, गरीब के घर में भी एक पोटैटो बनता है, ठीक है, तो इसलिए इसको पुअर, उसके वेजिटेबल के नाम, क्रॉप के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि एक गरीब, क्योंकि इसके जो मार्केट प्राइस होते हैं पोटैटो के, तो इसलिए इसको पुअर मैन वेजिटेबल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्लियर है। तो चलिए, बाकी देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी क्रॉप पे कवर करनी है, तो टाइम होता, 1 साल का बैच अगर पूरा होता तो उसमें हर एक चीज़ क्लियर की जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्रॉप्स हैं, इसमें टाइम लगता है क्रॉप्स को कंप्लीट करने में। वो नेक्स्ट ड्रॉपर बैच के लिए हम क्लियर करेंगे, जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे उसमें आराम से पूरी साल भर हम बैच क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम पोटैटो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पोटैटो की बात करें तो इसको हम किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से भी जाना जाता है। राजा है किसका, वेजिटेबल का, सब्जियों का राजा। पोटैटो क्या है, सब्जियों का राजा है, ठीक है। ये क्रैश कैश क्रॉप में भी आती है, हमने क्लासिफिकेशन क्रॉप की पढ़ी थी, तो ये कैश कैश क्रॉप में भी आती है, ठीक है। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहूँगा सभी को, ICR के लिए, कि आप जो एग्रीकल्चर इससे दे रहा है, एग्जामिनेशन दे रहा है, तो आपका यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंदर पार्ट आपका आता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, यानी कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसके प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स क्या हैं, उसको प्रिजर्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, उसको प्रिजर्व करना हो, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ठीक है। वहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता आपका, जनरली क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा, एक आधा क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। और प्रेपरेशन ऑफ जेलीज, जेलीज को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जैम्स को कैसे बनाया जाता है, केचअप हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें, उनकी पैकिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। उसके टेम्परेचर आता है, प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है। वो कवर अप नहीं किया जाएगा, बहुत लंबे चैप्टर्स जो आपके हो जाते हैं, ठीक है, वो कवर अप यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री बचता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट का यहाँ पे अगर आपका रहता है, तो एनिमल हस्बेंड्री में कल आपको दिन सुबह के टाइम करवा लूँगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री।
एनुअल संडे क्लास में करवा लूँगा। अगर आपकी डिमांड है तो मुझे अभी बता दो आप यहाँ पे चैट के माध्यम से कि एनुअल संडे करवाया जाए कि छोड़ा जाए, क्योंकि एनुअल संडे बहुत वाइड है, ठीक है। तो वहाँ पे वो भी मैं करवाना चाहूँ तो एक क्लास में 2 या 3 घंटे क्लास में ले लूँगा, तो उसमें कवरअप कर लूँगा एनुअल संडे सारा। तो आपके अगर आती है डिमांड, आती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता सकते हो जल्दी से चैट के माध्यम से, चैट बॉक्स में जल्दी से आप बताइएगा एनिमल हस्बेंड्री। यस, किसी को कोई जवाब नहीं, आपने मुझे चैट बॉक्स में बता देना, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें किसकी, राइस की, सॉरी पोटैटो की बात करें, तो ये इसमें स्टार्च हमारा रिच सोर्स है। किसका? स्टार्च का है, ठीक है। तो स्टार्च की बात करें, स्टार्च कौन सा? फेरिना, ठीक है, एंड विटामिन, स्पेशली विटामिन B1 इसमें पाई जाती है, क्लियर है। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलो कोई नहीं, एनिमल हस्बेंड्री में कल लेके आऊँगा वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका पेरू इसका ओरिजिन है, आपको सिंपल सा याद रखना, पोटैटो का पी से पोटैटो, पी से पेरू, पी से पोटैटो, पी से पेरू, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है, देखो पेरू ऑप्शन पे होगा तो पेरू कर देना, नहीं होगा ठीक है तो आपको साउथ अमेरिका कर देना, क्लियर है। ठीक है, चलिए स्पीड में पकड़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा आपके साथ, मैं कंटिन्यू चलूँगा, रिवीजन करते रहो जाओ आप साथ में, ठीक है। देखो अगर हम बात करें जो पोटैटो है, तो पोटैटो को हमने कल्टीवेट करना हो तो हम दो तरह से कल्टीवेट यहाँ पे करते हैं, कुछ सीड के द्वारा, ठीक है, कुछ हम बाद में पढ़ेंगे ट्यूबर के द्वारा पोटैटो को प्रोपेगेशन की जाती है। अगर हम सीड की बात करें तो यहाँ पे जो TPS है, ट्रू पोटैटो सीड की बात करें, तो ये डेवलप किए थे, कैसे किए थे डेवलप, किसने किए थे? रामानुजन ने, ठीक है, रामानुजन ने किए थे, RAMANUJN, रामानुजन ने ये डेवलप किए थे, ठीक है। ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। अगर हम बात करें नर्सरी, अगर नर्सरी की बात करें तो 1 हेक्टेयर में कितने सीड्स आपके लगेंगे, सीड रेट कितना होगा आपका? 100 से 150 ग्राम्स सीड्स पर हेक्टेयर, ये क्या है? सीड रेट है किसका? जो हमारे ट्रू पोटैटो सीड होंगे, क्लियर है। अगर हम सीड से पोटैटो लगा रहे हैं तो हम कितना यूज़ करेंगे? 100 to 150 ग्राम सीड्स पर हेक्टेयर यहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे, क्लियर है। वही हम एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं इसकी। वही हम एरिया की बात करें तो आप इसको सिंपल से याद रखना है, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पोटैटो होते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होती है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर आपका कौन आता है? बिहार आता है। ये आपको सिंपल से याद रखना है, पहले उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर आपका बिहार आ जाएगा, क्लियर है। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन हमारी कहाँ पर होती है? सेम ट्रेंड एज एरिया, एरिया का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड क्या प्रोडक्शन का है, मतलब इसका ये है कि उत्तर प्रदेश में ही प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फिर वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर आपकी किस में होती है? फिर आपकी बिहार में प्रोडक्शन होती है, क्लियर है। नेक्स्ट, पोटैटो ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर एनी सिंगल वेजिटेबल इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम बात करें, एक सिंगल ऐसी क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में जो कि सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, किसमें? वेजिटेबल में, पूरे वर्ल्ड में, कौन सी? पोटैटो करती है, क्लियर है, पोटैटो करती है। नेक्स्ट हम बात करें बॉटनिक्स की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सा आपका रखना, ये पेरिनियल प्लांट है। टर्म के ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्लियर है, डिटेल में टाइम लगेगा, पेरिनियल से आपको समझ जाना कि पेरिनियल प्लांट क्या होता है, ठीक है। बट एज ए क्रॉप ट्रेटेड एज ए एनुअल प्लांट, बट इसको हम ट्रेड करते हैं कैसे? एनुअल प्लांट के तौर पर इसको ट्रेड किया जाता है क्या? ये पेरिनियल क्रॉप है लेकिन हम एनुअल के तौर पर इसको करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्लियर है, एनुअल के तौर पर इसको ट्रेड करते हैं। प्रोपेगेशन हम कैसे करेंगे इसकी? ट्यूबर्स की, इसमें ट्यूबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, इससे हम क्या करते हैं? प्रोपेगेशन करते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो है हमारा, ठीक है, इसमें हमारे ट्यूबर्स होते हैं, इस तरह से आईज आपकी निकलती है, तो इसको हम कट करते हैं, इस तरह से कट पोर्शन को हम क्या करते हैं? सोयल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो न्यू प्लांट हमारा बन जाता है, ठीक है। एंड एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस्ड ऑन दी एंड ऑफ स्टोलन, ठीक है। जैसे इसकी हमारी, जैसे आप आपने पोटैटो लगा लिया, ट्यूबर्स से आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप कर रहे हो, तो जैसे आप लगाओगे किसको? ट्यूबर्स को, ठीक है, तो क्या होगा? एनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस्ड ऑन दी एंड। देखो क्या होगा कि आपकी जो स्टेम है वो आपकी एनलार्ज लंबी होती जाएगी और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी? स्टोलन में। किस में होगी? स्टोलन में कन्वर्ट होगी, क्लियर है। एंड नॉट ऑन दी रूट प्रॉपरली, रूट प्रॉपरली नहीं बनाएगी, उस क्या बनाएगी? वो स्टोलन बनाएगी, ठीक है, रूट्स नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है? हमारे स्टोलन बनाती है, ठीक है। पेरिनियल होता है जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी 2 और 2 से ज़्यादा लाइफ साइकिल होती है, ठीक है,
200 दो और दो से ज़्यादा लाइफ साइकिल होती है, वो पेरेनियल होते हैं, क्लियर है। बाइनियल होती है इसकी दो होती है, और एनुअल होती है इसकी एक, वन। ये C3 प्लांट है, पोटैटो क्या C3 प्लांट है क्योंकि इसमें C3 साइकिल चलती है, क्लियर है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और क्या शॉर्ट डे प्लांट है, क्या है शॉर्ट डे, इसका मैंने आपको तरीका बताया, याद करेंगे इसमें पहले क्लास से लगाई उसको क्लियर होगा। शॉर्ट डे प्लांट है फ्रॉम ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग डे प्लांट। अगर शॉर्ट डे प्लांट तब होगा, यहाँ पे सिंपल सा थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। अगर ट्यूबराइजेशन की बात करें तो प्रोसेस में क्या होगा, ये शॉर्ट डे प्लांट होगा यानी जब ट्यूबर्स आपके बनेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लावरिंग की बात करें, जो जिस टाइम फ्लावरिंग इसमें आएगी तो ये लॉन्ग डे प्लांट कहलाता है, यानी कि इसको फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सूरज की जो रोशनी है, जो सूरज है, जो किरण है, उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रूट टाइप इज वेरी, जिसका फ्रूट टाइप वेरी है, ठीक है, VE RRY वेरी। एंड पोटैटो रिक्वायर्स टेम्परेचर फॉर सेटिस्फाइड ट्यूबर ग्रोथ। अब देखो पोटैटो के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, सेटिस्फाइड ट्यूबर, ट्यूबर की ग्रोथ के लिए बोला गया है यहाँ पे, क्या चीज़ बोल गया, ट्यूबर की ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, 17 to 19 डिग्री सेल्सियस, ये चाहिए ट्यूबर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पीएच की बात कर लेते हैं, पीएच कितना चाहिए इसका, यहाँ पे पीएच आपका आ जाएगा, करेक्ट कर लेना, पीएच रिक्वायरमेंट अबाउट 5.0 to 6.5, यानी कि एसिडी कंडीशंस में इसके लिए चाहिए, पोटैटो के लिए चाहिए एसिडी कंडीशन चाहिए। रिड्यूस स्कैब डिजीज इंसिडेंस, देखो पोटैटो में स्कैब डिजीज आपकी आती है, ठीक है, इसको रिड्यूस करता है, कम करता है, अगर हम क्या करते हैं एसिडी कंडीशन में इसको कल्टीवेट करते हैं, यानी कि एसिड सॉइल में इसको कल्टीवेट करते हैं। एसिड सॉइल के पीएच कितना होना चाहिए, 5.0 से 6.5 उसका पीएच होना चाहिए, क्लियर है। वही हम बात कर रहे हैं वेराइटीज़ किसकी बात कर लेते हैं, कुछ आपकी अर्ली मेच्योरिटी वेराइटीज़ जिनकी जो हार्वेस्टिंग है अर्ली हो जाएगी, ठीक है, वो मच्योर जल्दी होगी, तो मच्योर जल्दी होगी तो मतलब क्या कि वो हार्वेस्ट भी क्या होगी जल्दी से होगी, क्लियर है। तो टेक्स ओनली 75 डेज, कितना दिन का समय लेती है, 75 डेज का समय लेती है वेराइटीज़, अर्ली वेराइटीज़ हार्वेस्टिंग के लिए, क्लियर है। कुफरी जगह इसकी अर्ली वेराइटीज़ क्या होती है, कौन कौन सी है, कुफरी चंद्रमुखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कुफरी अशोका एग्जैक्टा एक्स्ट्रा अर्ली। अब देखो पोटैटो का आपको सिंपल सा रखना है, पोटैटो का कुफरी वेराइटी क्यों लगता है, कुफरी जिसमें लगा हो मतलब कुफरी जो शिमला है, हिमाचल प्रदेश में जो कुफरी शिमला है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कौन सा, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये वेराइटीज़ डेवलप की गई। तो जो वेराइटीज़ आपकी कुफरी में डेवलप हुई है तो उसका नाम क्या है, कुफरी, ठीक है, कुफरी यानी कि जो शिमला गाँव का पोटैटो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जब कभी कुफरी साइड जाओगे, शिमला साइड आओगे, राजधानी शिमला आओगे हिमाचल प्रदेश की, तो ज़रूर एक बार घूम लेना कुफरी रिसर्च सेंटर पोटैटो का, ठीक है। नेक्स्ट है कुफरी अशोका एक्स्ट्रा अर्ली है ये, कुफरी अलकर और कुफरी लवकर, कुफरी नटवल, ठीक है। ये जो सारी वराइटीज़ हैं ये क्या अर्ली मच्योरिटी वराइटीज़ हैं, ये 75 डेज का समय लेती है मच्योरिटी के लिए, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए। फिर आती है मीडियम ड्यूरेशन, अगर मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी की बात करें कुफरी शीतमहल है। देखो ये कई बार एग्जाम पूछी गई कुफरी शीतमहल, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है कुफरी शीतमहल, जो आपकी फॉरेस्ट को रजिस्ट करती है, ये किसको, फॉरेस्ट को, सॉरी फॉरेस्ट को रजिस्ट करती है, यानी कि कौन सी, कुफरी शीतमहल। नेक्स्ट है कुफरी चमत्कार, ठीक है, कुफरी बादशाह, ये जो आपकी वैरायटीज़ हैं ये क्या है, मीडियम ड्यूरेशन है, ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ नहीं है, मीडियम है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी मेच्योरिटी के लिए, क्लियर है। चलिए हम लेट मेच्योरिटी वैरायटीज़ की बात करें, कुफरी देवा है, कुफरी सिंदूरी है, ठीक है, सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए कौन सी ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वो कुफरी चिप्सोना वन, कुफरी चिप्सोना टू, ये जो वैरायटी है प्रोसेसिंग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्लियर है। वही हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीड शोइंग, अगर हम इसके सीड शोइंग की बात करें, आपको सिंपल से रखना है 25 ग्राम कट पीस ऑफ ट्यूबर। देखो हमने सीड को शो करने के लिए हमें क्या करना है, 25 ग्राम कट पीस हमने यूज़ करना है किसके, ट्यूबर के, क्या यूज़ करना है, ट्यूबर हमने यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम ट्यूबर की बात करें, पिथ 3 to 5 बर्ड्स एंड पर आइज, ठीक है, तो एक आइज में 3 से 4 बर्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी वो ट्यूबर आपका ग्रो होगा, मिनिमम 3 है, मैक्सिमम क्या है 5 बर्ड आपके होने चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं 50 to 20 क्विंटल हेक्टेयर, ठीक है, एक हेक्टेयर में कितना लगाना है हमने, 15 to 20 किलो क्विंटल हेक्टेयर आपके लगेंगे किसमें, 1 हेक्टेयर में, क्लियर है। ए गेटिंग हाई यील्ड, यील्ड कितनी निकलेगी, 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर निकलेगी फॉर 15 ग्राम पर सीड्स, ठीक है।
एक्स्ट्रा मार्कर है। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग आपको सिंपल सी रखनी है, 60 × 20 सेंटीमीटर क्या रहेगी स्पेसिंग रहेगी इसके लिए, क्या रहेगी स्पेसिंग रहेगी, यानी कि प्लांट टू प्लांट या रो टू रो, यानी कि प्लांट से प्लांट तक की जो आपने दूरी देनी है वो 60 सेंटीमीटर देनी है, रो से रो तक की दूरी आपने कितनी देनी है 20 सेंटीमीटर आपने देनी है। क्लियर है? जहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, ठीक है। अगली नेक्स्ट टेक्निक आती है सीड प्लॉट टेक्निक, STP। कौन सी आती है? सीड प्लॉट टेक्निक। अगर हम सीड प्लॉट टेक्निक की बात करें तो ये पुष्कर नाथ जी ने डेवलप की थी ये टेक्निक, ठीक है, 1967 में। ये किसने डेवलप की थी? पुष्कर नाथ जी ने डेवलप की थी 1967 में। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजीज़। इस ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिजीज़ की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं फ्री, वायरस फ्री। सीड इज नॉर्थन प्लेन्स ऑफ कंट्री। देखो सिंपल सा आपका रखना है कि जो ये टेक्निक आपकी पुष्कर नाथ जी है इन्होंने ये डेवलप की थी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, डिजीज फ्री होगा, ठीक है, प्लांट कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा, ठीक है। सीड इन नॉर्थ प्लेन्स ऑफ कंट्री, इसके जो सीड्स हैं नॉर्थ प्लेन कंट्रीज के लिए आपके मान्य माने जाते हैं। और ये हम जिसके डिसऑर्डर की बात कर रहे थे पोटैटो में, पोटैटो और टोमेटो के आपके दो डिसऑर्डर सेम है, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। आपको उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स याद होने चाहिए, आपको सिम्टम्स उसके याद होने चाहिए, ठीक है, अर्ली और लेट ब्लाइट, क्योंकि वो टोमेटो में भी क्वेश्चन क्लिक हो सकता है, वो पोटैटो में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों की वराइटीज़ क्या है, सेम है दो वराइटीज़, ठीक है, वो दो वराइटीज़ किसी और के पास नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट हम डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर की बात करें तो पहला जो डिसऑर्डर यहाँ पे है वो ब्लैक हार्ट, ठीक है। ब्लैक हार्ट की बात करें, ड्यू टू लैक ऑफ O2 इज स्टोर्ड पोटैटो द इंटरनल टिश्यूज ब्रेक डाउन एंड बिकम ब्लैक। देखो अगर हम टिश्यू ब्लैक हार्ट की बात करें, इसमें क्या होता है, ब्लैक हार्ट डिजीज़ हमने पहले पढ़ा हुआ था जनरल एग्रीकल्चर में, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, जो ब्लैक हार्ट डिजीज़ है वो O2 जो ऑक्सीजन है ये हमारी स्टोर ना होने की वजह से, इसकी लैक होने की वजह से ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है पोटैटो में। तो इंटरनल जो टिश्यू होंगे इसमें वो क्या हो जाएंगे, आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड बिकमिंग ब्लैक, वो काले कलर के हो जाएंगे इंटरनल टिश्यू। अवॉइड स्टोरेज टेम्परेचर, इसको बचने के लिए हमें स्टोरेज टेम्परेचर को अवॉइड करना पड़ेगा अबव 35 डिग्री सेल्सियस एंड पुअर वेंटिलेशन। तो इसके लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर चाहिए, और पुअर क्या चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, बहुत कम वेंटिलेशन चाहिए इसके लिए। क्लियर है? मुझे जमाइयाँ आ रही है, ठीक है, क्योंकि नींद पूरी नहीं है, नींद ही पूरी नहीं है कई दिनों से। नेक्स्ट है रोलो हार्ट। कौन सी है? रोलो हार्ट है। अगर हम रोलो हार्ट की बात करें सिंपल सा, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, अगर हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज कर दिया तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, रोलो हार्ट हो जाएगी। एंड इरेगुलर कैविटी इन द सेंटर ऑफ ट्यूबर डेवलप्स, तो इरेगुलर कैविटी जो ट्यूबर है उसको जब वो डेवलप हो रहे होंगे तो वहाँ पे एक इरेगुलर कैविटी जैसे आपको सेंटर के टाइम पे सेंटर पे आपको दिखाई देगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम अगर चिलिंग इंजरी की बात कर लें, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर्स, अगर हम ट्यूबर को सब बहुत ज़्यादा लंबा स्टोर करते हैं एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर चिलिंग इंजरी आ जाती है पोटैटो में। क्लियर है? चिलिंग इंजरी किसमें आती है, पोटैटो में आ जाती है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कोई क्लास में भी है, भाई पालमपुर के ऊपर वीडियोस अलग से आती है, आप क्यों कन्फ्यूज करें क्लास के बीच में, वीडियोस अलग से वीडियोस आती है उस टाइम पे आप देखते हैं वीडियोस, ठीक है, वीडियोस बनी हुई है इसके ऊपर। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। डॉर्मेसी ब्रेकर की बात करें, मे बी यूज इन 1% थ्योरम। देखो डॉर्मेसी ब्रेकर की बात करें, यानी कि जो डॉर्मेसी को ऐसे हार्मोन जो हम डॉर्मेसी को ब्रेक जिससे जो हम डॉर्मेसी को ब्रेक कर सकते हैं, ये मैंने पहले जिसमें क्लास लगाया उसको मैंने बताया कि डॉर्मेसी होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ बताने की मुझे नीड नहीं होगी, अब जरूरत नहीं है। मे बी यूज 1% थ्योरम, देखो हम डॉर्मेसी ब्रेकर के ब्रेकर में हम यहाँ पे 1% थ्योरम यूज़ करेंगे किसके साथ, विद 1 PPM ऑफ GA3 यानी कि जिब्रेलिन
फॉर 10 मिनट्स के लिए हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमारी डॉर्मेंसी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्लियर है। कि अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो हमें केसीएल देखो फर्टिलाइजर में तो केसीएल है नॉट यूज इन सोलेनसी क्रॉप में यूज किया बिकॉज क्लोराइड हैज़ एडवर्स, क्योंकि इसमें क्लोराइड क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है ड्राई मैटर पे। एंड स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ेगा। फर्टिलाइजर केसीएल में अप्लाई कर दिया तो स्टार्च इसमें बढ़ेगा, क्लियर है। दिस टोलन फॉर्मेशन 20-50 डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट एंड ट्यूबर, देखो टोलन की फॉर्मेशन के लिए हमने क्या अप्लाई करना है, डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर हमने अप्लाई करना है, ठीक है। एंड ट्यूबर की बात करें उसके लिए 50-80 डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट हमने यूज करना है, परसेंटेज है ये। एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन की कौन सी होगी आपकी, स्टोलन फॉर्मेशन होगी, क्लियर है, ये मोस्ट क्रिटिकल है। स्टोलन जब फॉर्मेशन होगी तो पानी उसमें सिंचाई में देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट ऑफ पोटैटो विच इन्फेक्ट द ट्यूबर्स इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज इज, देखो ऐसे इंसेक्ट हैं जो पोटैटो को फील्ड पे इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और फील्ड पे करेंगे स्टोरेज टेम्परेचर भी क्या करेंगे वो आपके अफेक्ट करेंगे। देखो वही हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स होंगे, तो वो आपके होंगे पोटैटो ट्यूबर मॉथ है जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है, पोटैटो लीफ रोल वायरसेज हैं इस ट्रांसमिटेड बाय एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है, क्लियर है। वही हम बात करें वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, वार्ट जो डिजीज होती है पोटैटो में किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दिया गया है साइंटिफिक नेम, फंगस का नाम प्रॉपरली दिया गया है, ठीक है। क्लास वैसे भी एंड तक रहे। जैसे डोमेस्टिक क्वारंटाइन इन इज अडेप्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स, अगर इसका प्लांटिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो यहाँ पे डोमेस्टिक यहाँ पे क्वारंटाइन यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है ट्यूबर्स फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया टू अदर पार्ट्स, अगर हम दार्जिलिंग एरिया से हमने ट्यूबर्स उठाने हैं और अदर पार्ट्स के लिए भेजने हैं कंट्री, रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू वार्ट डिजीज, तो यहाँ पे वार्ट डिजीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर वार्ट डिजीज होगी तो जो पोटैटो है वो हम यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं वार्ट डिजीज में, क्लियर है, आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया ख़त्म कौन सा, पोटैटो हो गया, ठीक है। पोटैटो के बाद हम नेक्स्ट क्रॉप यहाँ पे देखते हैं, देख लो पोटैटो की के अंदर आपके दो आपकी डिजीज आती है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो दोनों के आपको कंजर्व ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं, उसके आपको क्या रखना है याद, आपको सिंपल सा उसके याद करना है सिम्टम्स की क्या क्या है, ठीक है। इटिलोजी आपको याद करनी है कि आपको कैसे केमिकल्स अप्लाई करने, कौन से केमिकल्स कहाँ पे देने हैं, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्लियर है। पोटैटो हमारा कंप्लीट है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्रॉप पे काफ़ी ज़्यादा बचती है, बिग ब्रो कहाँ है, बिग ब्रो यार नींद आ रही है, बिग ब्रो बीच में नहीं है, मुझे बहुत नींद लगी हुई इस टाइम पे, सीधा मन कर रहा है सोने का कि सो जाऊं। बाकी तैयारी आप सभी की सही है ना एग्जामिनेशन के लिए, बाकी प्रेपरेशन करो, ठीक है। और प्रेपरेशन का तो टाइम कहाँ रहा, अब एक दिन बचा आपके पास, तो एक दिन में तो क्या उखाड़ दोगे, एक दिन में कुछ नहीं होगा। बिग ब्रो भी है यार, बिग ब्रो का नाम नहीं पता क्या होगा, बिग ब्रो का नाम नहीं पता हमें, बिग ब्रो कुछ करो यार। कितना है 422 पेज है, वेजिटेबल क्रॉप कहाँ पे है हॉर्टिकल्चर में, इतना क्या है, सिमरन डरना नहीं है, ठीक है,
सिमरन जी, डरना नहीं है, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्लियर है? आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, रिवीजन करते जाओ, पूरा सिलेबस देखो, जहाँ से आप भूल रहे हो उस चीज़ को पकड़ लो एक दो दिन में, ठीक है यार? 400 इतने आ गए हैं ये, फोर 22 पेजेस बुक के, ये सारे पढ़ने पड़ते हैं आईसीआर के लिए, 422 पेजेस आपके। फ्रूट प्रोडक्शन आगे हम वेजिटेबल में जाएंगे, वेजिटेबल की क्रॉप है आपकी 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉप्स वेजिटेबल की, जो कि मैंने खत्म करने करने किसी भारत में आज, ठीक है, 9 क्रॉप्स। देखो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको रिवाइज करने होते हैं, अपने नोट्स तभी कहता हूँ, पहले से अपने नोट्स बनाते चलो, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे अपने नोट्स, ठीक है, इसलिए आपको कहते हैं कि बार बार बच्चों नोट्स अपने पढ़ा करो, अपने नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, हैबिट आपको डालनी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए। और आईसीआर क्रैक करना उतना भी वो डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर है? यहाँ पे रूट क्रॉस हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखो रूट क्रॉप्स में हमने रेडिश करनी है, कैरेट करनी है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम रूट क्रॉप की बात करें, तो रूट क्रॉप में सिंपल सी आप करें, एलिसिन इज दी एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है, ये किसका? गार्लिक का। एलिन वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड प्रेजेंट इन गार्लिक में प्रेजेंट होता है, ये क्लियर है? गार्लिक की यहाँ पे खास बातें थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात कर ले रेडिश की, बात कर लेते हैं रेपनस टाइबस, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, क्या रेपनस टाइबस, क्या साइंटिफिक नेम है किसका? रेडिश का, क्लियर है? मस्टर्ड सॉ प्लाई एंड पेंटेड बग आर दी पेस्ट ऑफ रेडिश। देखो मस्टर्ड सॉ प्लाई है और जो पेंटेड बग है वो क्या है? पेस्ट है किसका? रेडिश का, इसका रेडिश का पेस्ट है, ठीक है। रूट्स ऑफ रेडिश की बात करें, प्रिपेयर फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, इज नोन एज स्क्लेडिंग, ठीक है, स्टे STSCLDING, ठीक है, वो मेरी प्रोनाउंसिएशन पे आपने मत जाना, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर देता हूँ दुनिया भर की, क्लियर है? आधी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो जाती है। ब्राउन हर्ट इज कॉमन इन रेडिश में आती है ड्यू टू ब्रोन डेफिशिएंसी की वजह से आती है ब्राउन हर्ट, किसकी वजह से? ब्रोन डेफिशिएंसी ब्राउन हर्ट आती है, क्लियर है? वही हम सीड रेट की बात कर लेते हैं, सीड रेट आपका कितना लगेगा? 5.5 to 11 किलोग्राम पर हेक्टर आपका सीड रेट यहाँ पे लगने वाला है। वही हम वराइटीज पे आने वाले हैं, वराइटीज की बात करें तो अर्का निशांत वराइटी है, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है ये बहुत सारी डिजीज को रेजिस्ट करेगी। हम स्पीड में चलते हैं यार, नींद लगी है, छोड़नी पड़ेगी मुझे नींद, ठीक है। क्या है अर्का निशांत जो है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, नींद लगी, कल नाइट को भी सफ़र किया हुआ है, नाइट में सफ़र में, आज भी नाइट में सफ़र में होंगे, ठीक है, पूरी नाइट में 10 बजे हमें निकलना है, हम सुबह पहुँचेंगे 4 बजे, ठीक है, और कल रात, कल नाइट में भी सफ़र में होंगे, कल पूरी रात सफ़र में, और परसों हमने सेंटर में पहुँचना एग्जामिनेशन, उसके अगले दिन में हमने नाइट में सफ़र पे होंगे, उससे अगले सेंटर में हमें पहुँचना है 3 दिन, फिर उसके रात भी हम सफ़र पे होंगे, फिर हमें अगले सेंटर पहुँचना है, फिर से हम सफ़र पे होंगे नाइट में, दिन को काम रात को सफ़र, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो नींद इतनी लगी हुई है इस टाइम पे, समझ सकते हो आप, जो आपके ट्रक के ड्राइवर होते हैं ना, ट्रक वाले जो ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो हालत हो गई अपनी यहाँ पे, ट्रक ड्राइवर की वही हालत हो गई पूरी, ट्रक ड्राइवर की तरह, ठीक है, ना दिन का पता ना रात का पता, ठीक है, वो हो गई है, वो अपनी भी कुछ हाल खस्ता हाल हो गए हैं, ठीक है। अर्का निशांत की बात कर रहे हैं, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट ये आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पूसा चतकी की बात करें, सूटेबल समर के लिए ये है, वाइट इसलिए है, जैपनीज वाइट है, पूसा सफ़ेद है, ठीक है, स्कैरलेट ग्लोव है, पूसा रश्मि है, पूसा हिमानी है, कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरी साल भर पूसा हिमानी, पूरी साल भर ग्रो आपकी होती रहती है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना ज़्यादा। राउंड चेरी वेल की बात करें, रेड कलर वैरायटी ऑफ रेडिश,
आपने लाल कलर की रेडिश रखी होगी, तो उसकी जो वैरायटी कौन सी है, राउंड चेरी वैली, ठीक है, राउंड चेरी वैली आपकी है, ये आपके आखिरी एग्जाम में के बाद पूछ भी ली जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेट, कैरेट कहाँ से आ गया, हाँ कैरेट है, बस इतना रेडिश है, फिर कैरेट पे आते हैं, सिंपल इतना ही पढ़ना आपको मेन में, ज़्यादा नहीं जाना अपने बाहर इसमें। कैरेट की बात करें, कैरेट इज एन एनुअल क्रॉप है आपकी, है फॉर रूट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड बाइनियल फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट। देखो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो हॉर्टिकल्चर का लेक्चर है आपने वो आपने ढंग से पढ़ना, वन लाइनर क्वेश्चंस वहाँ से होंगे, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर है हॉर्टिकल्चर का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन क्वेश्चंस वहीं से क्लिक होंगे आपके, 12-15 नंबर आपके परसों वहीं से आने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है कंजी, ठीक है, देखो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्लैक कैरट, फॉर्किंग ऑफ कैरट इज ड्यू टू, देखो फॉर्किंग एक डिजीज आती है हार्ड पैन ऑफ सॉयल की वजह से आती है, फॉर्किंग किसमें, कैरेट में आती है, ठीक है, किसके, हार्ड पैन ऑफ सॉयल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका, ये फॉर्किंग है आपका, ठीक है। सीड रेट की बात कर लेते हैं, सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर में आपका सीड लगने वाला है कैरेट का, 1 हेक्टेयर में इतना सीड। वेराइटीज पूसा केसर है, सूटेबल फॉर अर्ली शोइंग के लिए पूसा केसर है, पूसा। मेघालय की बात करें, हाइएस्ट विटामिन ए कंटेंट इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चेंटेनी फॉर केनिंग एंड स्टोरेज के लिए, हम चेंटेनी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्परेटर, लेट मच्योरिटी के लिए एक वैरायटी आपकी है, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं, केनिंग और स्टोरेज के लिए हम ये वैरायटी यूज़ करेंगे, इम्परेटर लेट मच्योरिटी वैरायटी है, OOTY1 हाइब्रिड वैरायटी आपकी है ये, क्लियर है। वही हम नेक्स्ट कुकरबीट्स हम देखते हैं कि सिलेबस में है कि नहीं है आपके, कुकरबीट्स आपके आई थिंक नहीं है, हमारा रेडिश कैरेट पोटैटो हो गया, ठीक है, ऑनियन कॉलीफ्लावर बचता है, टोमेटो बचता है, टोमेटो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चलो 9th क्रॉप में पहुंचे हुए हैं, ऊपर से देख लेते हैं कहीं हमारा क्रॉप्स हमारी छूट नहीं गई, 7th क्रॉप्स कौन सी देख रखी है आपकी, ऑनियन होगी मे बी, ऑनियन है, चलो ऑनियन भी सिलेबस में क्लियर है, ऑनियन है। देखो ऑनियन की बात करें, ऑनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है, ठीक है, विटामिन बी का रिसोर्स है, ठीक है, पॉलिनेशन ऑफ ऑनियन चीफ बाय हनी बीज के द्वारा है, पॉलिनेशन है, पंजेंसी इन ऑनियन ड्यू टू किसके द्वारा होती है, पंजेंसी हमने पहले भी आपको बताया था, उसको देख रहे ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, एलाइली प्रोपाइल डाइसल्फाइड, हाँ सही है, एलाइली प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा पंजेंसी ऑनियन में हो जाती है। ऑनियन इज ए कूल सीजन क्रॉप, क्या कूल सीजन क्रॉप है, यानी कि सर्दियों के दिनों में लगाई जाती है। द कलर ऑफ आउटर स्किन ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू, अब देखो जो ऑनियन आपने देखा होगा है, देखा होगा बाहर ऑनियन का कलर कैसा होता है, आउटर स्किन कैसी होती है, रेड कलर की होती है ना, उसमें कैसी होती है, रेड कलर की होती है, तो रेड कलर का ऑनियन की बात करें तो किसकी वजह से होता है, कौन सा पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, होता है Q17 होता है, कौन सा Q17 उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है आपका, यह आपको याद रखना है। ऑनियन इज ए वेरी यूजफुल इन सनस्ट्रोक, सनस्ट्रोक के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑनियन है, क्लियर है। और ये हम बात करते हैं बोल्टिंग इन ऑनियन स्टेम इलोंगेशन ड्यू टू लो टेम्परेचर, जो ऑनियन में बोल्टिंग आती है, ठीक है, इन ऑनियन उसकी स्टेम में जो इलोंगेशन आती है, ठीक है, बोल्टिंग आती है, वो लो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी उसमें स्टेम उसकी इलोंगेट होगी, क्लियर है। इन ऑनियन एंड गार्लिक की बात करें, पर्पल ब्लॉस ड्यू टू डिजीज है, पर्पल ब्लॉस क्या है, डिजीज है, अल्टरनेरिया पोराई के द्वारा होती है, कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ये डिजीज होती है। लसगल गोन इन महाराष्ट्र इज द बिगेस्ट ऑनियन मार्केट इन इंडिया, देखो एक मार्केट महाराष्ट्र में सबसे बिगेस्ट मार्केट है आपकी ऑनियन की पूरे इंडिया में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है ये, क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग गोलू राठौर जी, ठीक है, शाम की आपको नमस्कार। देखो एक इसमें केट खोल आपका एक फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपका फिनोलिक फैक्टर्स है, प्रेजेंट इन ऑनियन में प्रेजेंट होता हैज़ एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये शो करता है एंटी फंगल प्रॉपर्टी, शो करता है केट खोल इन ऑनियन टू चेक स्प्राउटिंग, देखो डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है, ठीक है, इन ऑनियन टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ जर्मिनेशन ड्यूरिंग स्टोरेज इज स्प्रिंग, देखो हम क्या करते हैं, अगर ऑनियन में स्प्राउटिंग्स आ रही हैं, जर्मिनेशन हो रही है, ठीक है, और जर्मिनेशन स्प्राउटिंग, जर्मिनेशन यानी कि कैसे हम स्टोरेज किया ऑनियन को, आपने देखा होगा ऑनियन स्टोर किया तो थोड़े दिनों बाद, महीनों बाद उसमें इस तरह की आपकी स्प्राउटिंग होने लगती है, पत्ते आने लगते हैं, यहाँ पे आपकी जड़ें आती है,
ठीक है। तो ये स्प्राउटिंग को रोकने के लिए हम क्या करना है, स्टोरेज में स्प्रे कर देनी है, ठीक है। किसकी स्प्रे करेंगे जल्दी से मुझे बताएंगे, मैंने पहले आपको बताया है। उतना काफ़ी नहीं है, देखो एरेथ्रा बहुत बास्ट है, उतना काफ़ी नहीं, आपका बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और भी बचता है, सिलेबस बचता है हमारा। मैलिक हाइड्राजाइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कितना करेंगे, 2500 ppm 15 to 20 डेज आफ्टर स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज हमने की 15 से 20 दिन बाद उसमें अप्लाई कर देंगे, 15 से 20 दिन बाद उसमें अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात लेते हैं, इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ ऑनियन इज कौन सा है, थ्रिप्स है। थ्रिप्स एक ऐसा पेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पेस्ट है, किसका, ऑनियन का है, प्याज का ऑनियन वो है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, ये कौन सी स्प्रे से कंट्रोल किया जाता है, एसीपेट 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के द्वारा, वाटर में के द्वारा हम इसको स्प्रे इसमें कर देंगे तो हो जाएगा, क्लियर है। वही हम सीड रेट की बात कर लेते हैं, 10 to 12 kg सीड्स पर हेक्टेयर हम क्या करेंगे, नर्सरी में इसमें दे देंगे, डाल देंगे 10 से 15 किलो सीड्स पर हेक्टेयर नर्सरी में लगेगा, ठीक है। और प्लांटिंग बाय बल्ब्स, देखो ऑनियन में जो प्लांटिंग होती है, ठीक है, ऑनियन में जो प्लांटिंग होती है सिंपल से रखना कि इसके द्वारा बल्ब के द्वारा होती है, यानी कि प्रोपोगेशन कैसे होगी इसकी, बल्ब के द्वारा होगी। अब बल्ब जो होंगे 750 kg मीडियम साइज के बल्ब इसमें होंगे, जो कि पर हेक्टेयर में हम देंगे, एक हेक्टेयर में 750 kg क्या होंगे, मीडियम साइज के बल्ब हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। वराइटीज़ की वही हम बात कर लेते हैं, वराइटीज़ की बात करें तो यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग वराइटीज देख के रखी हुई है, देखो सीजन के अकॉर्डिंग हम बात करना चाहेंगे। देखो रबी सीजन की बात करें तो पूसा रेड है, ठीक है, नासिक रेड है, पटना रेड है, ठीक है, रेड रेड से आ रखना, पूसा रेड, नासिक रेड और पटना रेड, ये क्या है, रबी सीजन की वराइटीज हैं आपकी, इसकी है रबी सीजन की सारी वराइटीज है। वही हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, उदयपुर 101, 102, 103, 101, 102, 103, उदयपुर 101, 101, 102, 103, ये क्या वैरायटी है। पूसा रत्न रत्नर है, कौन सी है, पूसा रत्नर है। फिर आपकी N53 है, कौन सी है, N53 वैरायटी है। फिर एक कल्याणपुर रेड राउंड है आपकी, कौन सी है, कल्याणपुर रेड राउंड है, पूसा माधवी है, ठीक है, पूसा माधवी है, क्लियर है। नेक्स्ट एक अर्का बिंदु है, कौन सी है, अर्का बिंदु, ये वराइटीज सारी हैं, ठीक है। भैया हम खरीफ सीजन की बात कर लेते हैं, खरीफ सीजन की बात करें तो अर्का कल्याण है, क्या है, अर्का कल्याण रहेगी। एग्री फाउंट डार्क रेड रहेगी, N53 रहेगी, ये सारी क्या रहेगी आपकी, खरीफ सीजन की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अर्का प्रगति, अर्का प्रगति की बात करें, ग्रो इन बोथ सीजन, दोनों सीजन में ग्रो की जाती है अर्का प्रगति, ग्रो इन बोथ सीजन, यानी कि रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसको ग्रो किया जाएगा, रबी सीजन में ग्रो किया जाएगा और खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाएगा, रबी और खरीफ सीजन दोनों में इसको ग्रो किया जाता है, सिंपल सा आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये होगी हमारी ख़त्म, ऑनियन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, हमारी इस टाइम पे ख़त्म हो गई है चार क्रॉपें। हम आते हैं कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पाइनेज के, अब इस पर आएंगे, क्लियर है, इस पर आना चाहेंगे। कैबेज भी है, कैबेज, या कैबेज भी है, या ओके, ये जो कैबेज है कोर क्रॉप्स में आती है, हाँ बहुत अच्छे। कंधों को किताबों के बोझ ने क्या लिखा ये, हाँ कंधों किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स ICR में लाओ तो घड़ी नहीं तो छड़ी, लिख लिख के पड़ा हथेली पर उल्फा बीटा गामा का छाला है। थोड़ा सा इसको सेंस बनाते हैं यार, इसके बचपन तो गया अब जवानी भी गई, एक पल तो अब जीने दो जीने दो। वाह या बिग ब्रो, आप थोड़ा सा क्लास में बहुत अच्छा माहौल लेके आते हो, ठीक है ठीक है। पढ़ाई के बीच में थोड़ी जुगलबंदी होना जरूरी है, ठीक है। बचपन गया जवानी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, ठीक है। आपको किसने नहीं जीने दिया, कौन नहीं दे रहा जीने आपको, बिग ब्रो कौन जीने दे रहा आपको, कोई नहीं, बचपन आपका चला गया, जवानी भी चलेगी, बूढ़े हो गए होंगे, बूढ़े हो गए होंगे आप, ठीक है, बूढ़े हो गए होंगे, बचपन चला गया, जवानी चलेगी, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हो गए। तो शायरी ने बहुत अच्छी मारी हुई है,
ठीक है, कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया, 90% मार्क्स आईसीआर में लाओगे तो घड़ी नहीं तो छड़ी, लिख लिख के पढ़ा हथेली पर उल्फा अल्फा बीटा गामा का छाला। ठीक है, बहुत अच्छा, इन्होंने खूबसूरत लाइन है इनकी। ठीक है, थोड़ा सा इनको प्रमोट करते जाओ, बिग ब्रो को, नाम हमें नहीं पता इनका, हर एक क्लास हमारी अटेंड करते हैं, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, हम कैबेज की बात कर लेते हैं। कैबेज आपने देखी हुई, कैबेज, यार लाइट कहाँ से चलेगी यहाँ पे पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूम पे नहीं रहना तो पता नहीं होता चीज़ों का, क्लियर है। अच्छा, थ्री इडियट्स का सॉन्ग है ये, थ्री इडियट, ओके, थ्री इडियट्स। चलो, हम कैबेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रासिका ऑलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, साइंटिफिक नाम क्या रखा है इसकी, वेराइटीज ये हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, इंडिया रैंक थर्ड इन कैबेज प्रोडक्शन, कैबेज प्रोडक्शन की बात करें, तीसरा रैंक आता है किसका, इंडिया का आता है, थर्ड रैंक, थर्ड रैंक, तीसरा रैंक इंडिया का आता है कैबेज की प्रोडक्शन में, क्लियर है। कैबेज एज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, देखो कैबेज के पास, देखो क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैबेज के पास होती है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोल थ्री कार्बिनोल, किसके प्रेजेंस पे, इंडोल थ्री कार्बिनोल की प्रेजेंस पे क्या होती है इसमें एंटी कैंसर, मतलब एंटी प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंडोल थ्री कार्बो कार्बिनोल इसमें प्रेजेंट, कार्बन से प्रेजेंट होता है। द इंसिडेंस ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज इज 100% एट pH 5.7। देखो, जो क्लब रूट कैबेज में आती हैं, ठीक है, वो आती हैं अगर पीएच हमारा 5.7 हो जाए, इसके आसपास हो जाए, तो क्लब रूट की फॉर्मेशन आपकी हो जाती है। रूट ऑफ कैबेज इज नोन एज हेड बोलते हैं, कैबेज के फ्रूट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। वही बात करें, फ्रूट टाइप ऑफ कैबेज क्या है, सिलिकुआ है, क्या है, सिलिकुआ, फ्रूट टाइप कौन सा है, सिलिकुआ है कैबेज का, क्लियर है। नेक्स्ट, सीड रेट की बात कर लेते हैं, 500 to 750 ग्राम्स ऑफ सीड्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए 500 से 750 सीड रेट आपका रिक्वायर्ड है। वेराइटीज की बात करें, गोल्डन एरिका है, ठीक है, कैफीगन मार्केट अर्ली वेराइटी है, प्राइड ऑफ इंडिया अर्ली एंड राउंड वेराइटी आपकी है, क्लियर है। वही हम बात कर लेते हैं, हाइब्रिड वराइटीज की बात कर लेते हैं, तो हाइब्रिड वराइटी पूसा ड्रम हेड है, पूसा मुक्ता है, ठीक है, पूसा रत्नर है, और पूसा रेड है, पूसा सबंध है, ठीक है, पूसा सबंध है, ये किसकी है, हमारी कैबेज की वराइटीज है। कैबेज खत्म हो गया, ठीक है, हम आते हैं किस पे आएंगे, हम आते हैं कॉलीफ्लावर पे, किस पे आते हैं, कॉलीफ्लावर पे आते हैं। ठीक है, कॉलीफ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर के यहाँ पे ब्रासिका ऑलेरेसिया वराइटी कौन सी है, बोटरेटिस है, कौन सी है, बोटरेटिस है, ये आपकी कोल क्रॉप्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सेमेस्टर्स मैंने पास आउट किए हैं, ठीक है, टीचर मुझसे इतने क्वेश्चंस यहाँ से बाई में पूछते थे, कोल क्रॉप से दुनिया भर के क्वेश्चंस यहाँ से होते थे, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के, तो यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस काफ़ी आपके होते हैं हॉर्टिकल्चर से, और बड़े खतरनाक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ के जाना है आपको, ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो अभी शायद से मेरी शक्ल थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही होगी आपको, बिकॉज अभी इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऑन नहीं की है, ऑफ करके रखी है, बाहर से भी वेंटिलेशन थी अभी, ठीक है, बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, अब अंधेरा होने वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से ऑन होगी यहाँ पे, ठीक है, मुझे नहीं पता ऑन कहाँ से होगी, ठीक है, बिकॉज बिकॉज मैं घर में हूँ, बट अपने दोस्त के घर आया हूँ मैं क्लास लेने के लिए, क्योंकि मेरे घर में नेटवर्क इशू है, तो मुझे वहाँ से आना पड़ा, वहाँ पे जियो नहीं चलता है, ठीक है, तो उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, क्लियर है, आपकी क्लास में स्पेशली पहुँचा हूँ मैं। चलिए, हम ब्लेंचिंग इज डन इन कॉलीफ्लावर, ब्लेंचिंग आपकी कॉलीफ्लावर में होती है, डन टू प्रोटेक्ट कर्ड, कर्ड को प्रोटेक्ट करती है ब्लेंचिंग टेक्निक है, फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन टू सन। एंड देखो, आपने कॉलीफ्लावर फूलगोभी आपने देखी होगी, अगर वो सन के कॉन्टेक्ट में आपकी क्या रहेगी, उसके जो आपके कर्ड है, कर्ड किसको बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का जो आपकी वो होती है गोभी होती है जो आप खाते हो, ठीक है, व्हाइट कलर की, उसको बोलते हैं कर्ड, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक ब्लेंचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, ताकि
येलो कलर अटेन कर पाए और डायरेक्ट वो सन के कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, ठीक है। टू इरेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये इरेक्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर। इतना आपको रखना है। फ्रूट ऑफ कॉलीफ्लावर नॉन एज कर्ड, कॉलीफ्लावर के फ्रूट को क्या बोलते हैं, कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ड कहा जाता है किसके फ्रूट को, कॉलीफ्लावर के फ्रूट को क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, थ्री सीजन वराइटीज आर अवेलेबल इन कॉलीफ्लावर, देख लो तीन सीजन की वराइटीज कॉलीफ्लावर की अवेलेबल है, ठीक है। अब तीन सीजन की बात करें मैं नहीं बताऊंगा, जिसने पहले क्लासेस लगाएंगे उसको पता होगा, क्लियर है। देखो नेक्स्ट बात करें, स्कॉपिंग की बात करें, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर अर्लियर इनिटिएशंस ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर। देखो नेक्स्ट हम स्कूपिंग की बात करें, स्कूपिंग की बात करें, अगर हम कर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम रिमूव करते हैं, किसके, कर्ल के सेंट्रल पोर्शन को हम रिमूव करते हैं फॉर अर्लियर इनिटिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक, यानी कि फ्लावर स्टॉक आने से पहले हम उसको सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं स्कूपिंग। क्या बोलते हैं, स्कूपिंग बोला जाता है, क्लियर है। पूसा हिम ज्योति एंड पूसा स्नोबॉल हैव सेल्फ ब्लेंच्ड हैबिट, इनकी अपनी ही हैबिट होती है सेल्फ ब्लेंच्ड, यानी कि ये कर्ड को खुद ही प्रोटेक्ट कर लेती है, हमें जरूरत नहीं होगी फील्ड में जाने की, हमें कर्ड उसका प्रोटेक्ट करना है, ये कर्ड को क्या करेगी, खुद ही क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, क्लियर है, ठीक है। और कॉलीफ्लावर के फ्रूट को क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, जो हम खाते हैं खाने में, ठीक है, तो उसको खुद ही प्रोटेक्ट करती है पूसा हिम ज्योति है, पूसा स्नोबॉल जो वराइटी है। सीड रेट की बात करें, 450 to 700 ग्राम सीड्स आपका होगा 1 हेक्टेयर में यूज किया जाएगा, क्लियर है, इतना सीड आपको 1 हेक्टेयर में यूज किया जाएगा। मैम अर्ली वरायटी की हम बात कर लेते हैं, पूसा अर्ली सिंथेटिक वरायटी है, अर्ली कनवारी है, ठीक है, पूसा दीपाली है, पूसा कत्की है, पूसा श्रादा है, ठीक है, ये क्या है, शारद, ठीक है, पूसा शारद, ये अर्ली वरायटी है, यानी कि हार्वेस्टिंग इनकी पहले हो जाएगी, कम समय में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, क्लियर है। और ये हम बात कर रहे थे किसकी बात करेंगे, हम लेट वराइटीज की हमें बात करना चाहेंगे, पूसा स्नोबॉल लेट वरायटी है, पूसा हिमज्योति लेट वरायटी, कैन बी ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, ये उपरो की जाती है अप्रैल से जुलाई तक, और ये हिल्स में ग्रो की जाती है, क्लियर है। यहाँ पे कुछ कॉलीफ्लावर के, ठीक है, डिसऑर्डर्स भी हैं, तो देखो डिसऑर्डर्स क्या क्या है, यहाँ पे ब्लाइंडनेस आती है किसमें, कॉलीफ्लावर में, किसके द्वारा आती है, करेक्टर कैस के, प्लांट्स हैविंग नो टर्मिनल बड्स, उसमें कोई भी टर्मिनल बड्स नहीं होंगे एंड फेल टू फॉर्म एनी कर्ड, ठीक है, तो जो कर्ड है वो बन ही नहीं पाएगा, कर्ड ही नहीं बनेगा, तो इनकी ब्लाइंडनेस होगी, कर्ड ही नहीं बनेगा उसमें, फ्रूट ही नहीं लगेगा कॉलीफ्लावर में, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस। कॉज कैसे होगी, ये कैसे फैलेगी इसमें ये, ठीक है, ये फैलेगी। कनिका चौधरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, नमस्कार आपका, क्लास में आए हो, जाना नहीं आपने, ठीक है, डटे रहो क्लास में। डैमेज इन अर्ली स्टेज बाय इंसेक्ट्स, देखो अगर अर्ली स्टेज में इंसेक्ट डैमेज कर ले, इंसेक्ट हार्म कर ले, डैमेज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो या फिर फॉरेस्ट की फ्रॉस्ट की कंडीशन हो, पाला पूला पड़ा हो, तो वहां पे ब्लाइंडनेस आ जाती है कॉलीफ्लावर पे। अभी जो ब्लाइंडनेस आपकी आती है, सिंपल सा आपको याद रखना है कि यहाँ पे ब्लाइंडनेस में क्या होगा, आपका टर्मिनल बर्ड होंगे आपके, वो नहीं बनेंगे, ठीक है, कर्ड ही नहीं बनेगा, टर्मिनल बर्ड नहीं बनेंगे तो कर्ड कहाँ से बनेगा, क्लियर है। भैया हम बूटनिंग की बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, बूटनिंग की बात करें, तो ये डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड्स इन यंग प्लांट्स, यानी कि बूटनिंग का मतलब क्या होता है, थोड़े थोड़े स्मॉल आपके कर्ड बनेंगे यंग प्लांट्स में बनेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से आती है, ठीक है, बूटनिंग, छोटे कर्ड होंगे, फ्रूट छोटा होगा, ठीक है। देखो पविंदर जी सारी वीडियोस देख लो, काफी हैं, लेकिन पूरी पूरा सिलेबस कवरअप नहीं है मेरे उस वीडियोस में, पूरा सिलेबस आपका कवरअप नहीं है, मैं पहले बता दूं, मेरे पास, मैंने एनिमल हस्बेंड्री अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी नहीं किया हुआ है, प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वो मैंने कवरअप नहीं किया है, मैंने बीड साइंस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, मेजर पार्ट्स मैंने कंप्लीट किया है, माइनर मैंने नहीं किए हुए हैं, बीड साइंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं है, उसके लिए मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि बायोलॉजी क्लास लगा लो, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं है, क्लियर है, तो इसलिए आप यार गए हॉलो, एक आपका फिजियोलॉजी का डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर आपका हो जाता है एक्सेसिव ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ, देखो एक्सेस ग्रोथ हो जाती है,
प्लांट की एक्सेस ग्रोथ तो हो जाएगी, ठीक है, हॉलो में। तो कॉज कैसे फैलेगा अगर हम यूज़ क्या करेंगे इसमें एक्सेसिव, फोन पे फोन आ रहे हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि सर बिजी होंगे। हॉलो स्टेम, ठीक है, हॉलो स्टेम पहले ही पूछी गई है, एक्सेसिव ग्रो प्लांट्स ऑफ कॉलीफ्लावर डेवलप्स हॉलो स्टेम एंड कर्ड, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी स्टेम की और कर्ड की। तो अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं किसका, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी। देखो मैं सिर्फ बीट, मैं एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करवा लूँगा कल दिन को, आज मैं हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करवा रहा हूँ, बीट साइंस में नहीं कराऊंगा, ओनली बीट साइंस मेरे पास छूटता है, ठीक है, बीट साइंस में नहीं करवाने वाला हूँ। जनरली बीट के बारे में मैंने डिस्कस वैसे कर लिया है क्लास में, जिसने पूरी क्लासे लगाई हुई है, ठीक है, हमने बीट के बारे में वहीं पर डिस्कस किया है, जनरली मुझे जरूरत नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे तो मैं पूरा बीट साइंस नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है, बाकी मैंने जो मेजर था वो मैंने कवरअप कर लिया वहाँ से भी, बाकी अप्रोक्स प्लांट फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है उसको करवाने की, क्वेश्चन वहीं से सेम एज इट इज होंगे आपके, ठीक है, और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बायोलॉजी में आप लगा लें उस उन क्लासेस को लगा लें, वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछ जाएंगे, तो कल मेरा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है विपटेल, विपटेल की बात करें, ओनली मिडरेप ऑफ लीव्स लीफ ब्लेड इज सो नेम विपटेल इज गिवन। देखो क्या होता है, जो कॉलीफ्लावर है उसमें मिड रिब आप लीफ प्लेट है, उसमें मिड रिब आपकी आ जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी, जिसको विपटेल बोलते हैं। ये मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होता है, किसमें, एसिडिक सॉइल में होता है। देखो विपटेल के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, मैंने एग्जाम प्रीवियस में देखे हैं, विपटेल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं पहले भी, तो इसलिए आपको विपटेल का याद करना है, ठीक है, ये मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होता है, एसिडिक सॉइल में होता है ये, क्लियर है, ये आपको याद करना। यार एक सेकेंड मुझे लाइट ऑन करने दो, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्लास से भागना नहीं आपने बच्चों, ठीक है। भागे में आ गया वापस, कुछ भागे यहां से रास्ते। वही हम बात कर, इसकी बात कर लेते हैं, क्लोरोसिस के बारे में पहले मैंने क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है, क्लोरोसिस की बात करें जनरली सिंपल सा आपका रखना है इंटरवेनल येलो मोटलिंग ऑफ लोअर लीव्स। देखो मॉडलिंग की बात करें, जो नीचे वाले जो लोअर लीव्स यानी कि जो पत्ता है ना, ये वाला पत्ता, इसका जो नीचे वाला सरफेस होता है आपका, ठीक है, यानी कि इसके नीचे वाला होता है ये वाला निचली साइड वाला, इसको लोअर सरफेस, ठीक है, उसमें आपकी मोटलिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी होगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपका अक्सर ये हो जाता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, आपको सिंपल सा रखना है क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस का मतलब क्या है, यानी कि उसमें क्लोरोसिस क्लोरोफिल जो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो खत्म हो जाएगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा कि फ्रूट, सॉरी फूड नहीं बनेगा प्लांट के लिए, फूड नहीं बनेगा तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो सेल है वो डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है, टिश्यू हमारे डेड हो जाएंगे प्लांट के, तो अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, तो किसकी डेफिशिएंसी होगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइसनेस, ठीक है, राइसनेस की बात करें, दी सरफेस ऑफ कर्ड इज लूज, जो कर्ड है जो उसका फ्रूट है उसका जो सरफेस होगा लूज हो जाएगा, ठीक है, हैज बालबेट अपीयरेंस ड्यू टू, बालबेट के पढ़ागा बायोलॉजी में, ठीक है, अपीयरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल व्हाइट फ्लावर बर्ड्स, उसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर बर्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं एट द कर्डलिंग स्टेज, कौन सी, जब कर्ड बन रहे होते हैं उस स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं, उसको राइसनेस बोलते हैं। ये जो राइसनेस होती है किसके द्वारा होती है, फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाएगी यानी कि कभी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, तब वो आपको दिक्कत वहाँ पे कौन सी रही, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाए और हाई ह्यूमिडिटी हो जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो ये आपको राइसनेस आपको डिसऑर्डर दिखाई देता है, क्लियर है। वही हम ब्राउनिंग की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, ब्राउनिंग की बात करेंगे, अगर ब्राउनिंग के सिंपल सा करना है, लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट्स ऑन स्टेम, इसमें क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर आपका जाता है, डार्क स्पॉट्स आपका जाता है किसमें, स्टेम में, ब्राउन कलर की स्टेम हो जाएगी,
और डार्क स्पॉट्स आप किस टाइम में आ जाएंगे, ब्राउन कलर ऑफ कर्ड, कर्ड का कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर का। किसकी डेफिशिएंसी होता है ब्राउनिंग, होती है ब्रोन की डेफिशिएंसी से, बीबी से याद रखना है, ब्राउनिंग ब्रोन की डेफिशिएंसी होती है, क्लियर है। तो हमारा कॉलीफ्लावर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बचता है ब्रिंजल टोमेटो स्पाइनिश बचता है, ब्रिंजल बचता है, टोमेटो बचता है, स्पाइनिश है वेजिटेबल में। देखो ये तो या तुम चीज ऐसा करेंगे, चिल्ली है, ब्रिंजल है, चलिए ब्रिंजल की बात कर लेते हैं। बैंगन, बैंगन, ठीक है। देखो साइंटिफिक नेम है सोलेनम मिलंगेना, ठीक है। साइंटिफिक नेम है सोलेनिसी, क्या है फैमिली इसकी, ठीक है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, एंथोसाइनिन होता है पिगमेंट आपका। ब्रिंजल फ्रूट्स आर गुड फॉर गुड सोर्स ऑफ किसका है, विटामिन बी का है, किसका है विटामिन बी का, क्या है अच्छा सोर्स है, ठीक है। हम सीड रेट की बात कर लेते हैं, जो सीड रेट है वो आपका 200 ग्राम पर हेक्टेयर आपका नर्सरी में लगेगा। 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगाओगे तो सीड रेट आपको इतना लगने वाला है। शायद से वीडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ, नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा यार। नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा है, जल्दी, जो क्लास लगा रहे हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कौन सी दुनिया में खोए बैठे हो आप। एम आई ऑडिबल, माई स्क्रीन इज ऑडिबल, यस और नो, कौन सी दुनिया, मंगल ग्रह में भी चले गए होंगे। वैरायटी जो पूसा पर्पल लॉन्ग है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्ली मेच्योरिटी है, ऑडिबल है ना, क्लियर है। पूसा पर्पल लॉन्ग, देखो पूसा पर्पल लॉन्ग की बात करें, अर्ली मेच्योरिटी है, ठीक है। पंत सम्राट की बात करें, ठीक है, तो ये जो वैरायटी आपकी होगी, ये होगी फोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल बिल्ट रेजिस्ट, यानी कि एक आपकी ब्रिंजल में एक आपकी डिजीज है, कौन सी, फोमोप्सिस ब्लाइट डिजीज है, बैक्टीरियल बिल्ट है, इसको रेजिस्ट करती है पंत सम्राट। देखो पंत, पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, पंत सम्राट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। आजाद क्रांति है, ब्लैक ब्यूटी है, ये निमेटोड को रेजिस्ट करती है, कौन सी, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी वैसे ब्लैक नहीं होती है, ठीक है, ब्यूटी ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। अर्काशील, अर्का निधि, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आपकी पंत ऋतुराज आ जाएगी, पूसा बिंदु आ जाएगी, पूसा उपकार आ जाएगी, पूसा बिहार आ जाएगी, ठीक है। ये करती है पोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्ट को रेजिस्ट करती है, पोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटीज है। अर्का नवनीत है, हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी है। अर्का नील कंठा है, निमेटोड को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अनामालिया है, एफिड को रेजिस्ट करती है, रिकमेंडेड फॉर टीएन, ठीक है। टीएन का मतलब यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा रिकमेंड की गई थी ये, ठीक है। एफिड को रेजिस्ट करती है, ये तो आपको सारी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अर्का केशव है, क्या है, अर्का केशव है, क्लियर है। बाकी देखो क्रैश कोर्स की बात करें, आपने ड्रॉपर बैच की बात करें, आईसीआर के लिए आपने ज्वाइन करना हो, आईसीआर यूजी पीजी के लिए, अदर एग्जामिनेशन के लिए, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर लें, 1 ईयर का पूरा पूरा कोर्स होगा, ठीक है। वहाँ पे हम आराम से करेंगे पूरी साल भर, ठीक है, आराम आराम से चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, डेली डेली पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे होगा आगे जो इस वीडियोज़ को देखेगा वो सभी कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट की बात कर लेते हैं। फ्रूट एंड शूट बोरर आपके क्या हैं, पेस्ट हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम दोनों के देख रखे हैं यहाँ पे, ये आपका फ्रूट बोरर का, ये आपका शूट बोरर का है, ठीक है। ये मेजर पेस्ट है ब्रिंजल के, फ्रूट और शूट बोरर, ठीक है। लिसिनोड्स ओरोवोनेलिस है, ठीक है। पैरेडी लिपो डोपटेरा है, ठीक है। ये क्या है, इसके आपके शूट एंड फ्रूट बोरर हैं दोनों, ठीक। कॉज डेड हार्ट, यंग प्लांट्स में डेड हार्ट डिजीज कॉज कर लेते हैं, टेंडर ग्रोइंग शूट्स, ठीक है। एंड किल्ड बाय
लार्वा इन अर्ली स्टेज, अगर हमने किल करा इनको तो हमने लार्वा को, जो इसकी लार्वा स्टेज होगी, एंटोमोलॉजी मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बड़े कम आते हैं तो इसलिए मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो ये लार्वा स्टेज में हमें किल करना पड़ेगा, ठीक है, एंड लेटर बॉर्न इंटू फ्रूट्स, ठीक है, लेटर बॉर्न इंटू फ्रूट्स। देखो मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँ, बायोलॉजी की मिलेगी, एक एग्रीकल्चर की मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँ अलग से, कि आपको कैसे टैकल करना है एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर को, ठीक है, कैसे किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। इट कैन बी मैनेज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्पीरो टेट्रामेट। देखो अगर हमने मैनेज करना, फ्रूट एंड शूट बोरो से बचाना हमने किसको, ब्रिंजल को, तो हम यहाँ पे स्पीरो टेट्रामेट 150 SC हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 75 ग्राम पर हेक्टेयर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लूबेंडी बेंडाइमाइट 48 SC हम यूज़ करेंगे, 60 ग्राम पर हेक्टेयर में करेंगे। फिर है हेडा, हेडा बैटल है, नेक्स्ट इंसेक्ट की बात करें हेडा बैटल है, हेडा बैटल की बात करें, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम यहाँ पे इतना बड़ा देख रखा है, मैं पढ़ने वाला इसको नहीं हूँ, ठीक है, मेरे बस से बाहर है इसको पढ़ना, क्लियर है, मेरे बस से बाहर है, क्लियर है। ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर क्या है, ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर है। चलिए यहाँ पे शायरी एक अच्छी जैसी आ गई बीच में पढ़ने को, चलो सभी सुन लो ध्यान से, ठीक है। सलेबस समंदर जितना है और हम नदी जितना पढ़ पाते हैं, और याद रख पाते हैं बाल्टी जितना गिला हैं, और चुल्लू भर नंबर आते हैं। वेरी गुड। वैसे तो जवाब देने में मैं चैंपियन हूं, फिर पता नहीं क्यों पेपर में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वाह, चलो फिर से मैं कहना चाहूंगा, इसकी एक छोटी सी क्लिप हम इस शायरी की बनाएंगे, ठीक है, एक हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक क्लिप में बनाता हूँ। यहाँ पे कॉलों पे कॉल आ रही है, देखो यहाँ पे बिग ब्रो जी कह रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो ये कुछ शेर व शायरी यहाँ पे कर रहे हैं। सिलेबस समंदर जितना है और हम नदी जितना पढ़ पाते हैं, और याद रख पाते हैं बाल्टी जितना गिलास जितना लिख पाते हैं, और चुल्लू भर नंबर आते हैं, ठीक है। वैसे तो जवाब देने में मैं चैंपियन हूँ, फिर पता नहीं क्यों पेपर में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी शायरी की गई है, ठीक है। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, जो शायरी पे कहेगी अक्सर होता है, जितना पढ़ते हैं उतने नंबर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको, क्लियर है, पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो तरीका है वो गलत है पढ़ने का, फिर आपके चुल्लू भर नंबर आते, इतना आप पढ़ते हो सिलेबस इतना पढ़ते हो, ठीक है, तो आपके चुल्लू भर नंबर आते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका गलत है। तुम इंस्टाग्राम मैसेज करो, व्हाट्सएप पे कर लेना मैसेज यार, नाम ऊपर उतार लेना बिग ब्रो जी, ठीक है, क्या दिक्कत है बताने में, ठीक है यार, तारीफ करो बिग ब्रो की थोड़ी बहुत, अपना नाम नहीं बताते ताकि अपना नाम तो बता पाए। नेक्स्ट है ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर, क्या है ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर। देखो ब्रिंजल ब्राउन लीफ हॉपर की बात करें, साइंटिफिक नेम यहाँ पे दे के रखा हुआ है, मेरे पढ़ने से बाहर है, वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। देखो ये क्या है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, देखो लिटिल लीफ की बात किसकी करते हैं, लिटिल लीफ छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं किसके, ब्रिंजल के। दी व्हाइट फ्लाइज एंड जेसीड्स लीफ हॉपर जिनको बोलते हैं, इन ब्रिंजल कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन हम किसकी देंगे, कौन सा केमिकल अप्लाई करेंगे, इमिडा क्लोप्रीड, ठीक है, इमिडा क्लोप्रीड, ये क्या है केमिकल है, 200 SL हम देंगे, 75 ग्राम्स पर हेक्टर दे देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो व्हाइट फ्लाइज है जेसीड्स हैं लीफ हॉपर्स हैं, ये हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। हम डिजीज की बात कर लेते हैं, डिजीज की बात करें, लिटल लीफ ऑफ ब्रिंजल ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, जो ब्रिंजल में जो लिटल लीफ आती है, क्या आती है, लिटल लीफ आती है वो आती है माइकोप्लाज्मा के कारण, किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के कारण, वे हम ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर, किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, लीफ हॉपर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम लीफ हॉपर का देके रखा है, ठीक है। हम चिल्ली की बात, चिल्ली नेक्स्ट क्रॉप है यार, चिल्ली आपके सिलेबस में नहीं है दी हुई, ठीक है, ब्रिंजल खत्म होगी, हमारा टोमेटो और स्पाइनेच बचता है यार, एक मेरे को टोमेटो से याद आया, हमारा टमाटर से एक चीज याद आई, मैं आपको बताऊंगा टमाटर के बारे में खास बात, ठीक है। जब हम छोटे थे ना, छोटे जब हम छोटे हुआ करते थे, बचपन की बातें हैं ये, तो
ठीक है, छोटे हुआ करते थे जब छोटे थे, तो छोटे जब होते थे तो एक हर एक बच्चे की एक लव स्टोरी होती है, ठीक है, एक लव स्टोरी होती है, ठीक है, तो किसी से यार मोहब्बत हो जाती है क्लास में, ठीक है, क्लास में किसी, फिर जो जूनियर्स होते हैं उनसे, या फिर कई बार सीनियर से भी हो जाती है, कई बार अपने क्लासमेट्स से भी हो जाती है, मोहब्बत हो ही जाती है, ठीक है। तो ऐसे में एक स्टोरी मेरे को टोमेटो से याद, हरा टमाटर लाल टमाटर, ठीक है, हरा टमाटर लाल टमाटर। तो उस टाइम पे क्या होता था कि फिल्में देखते थे, उस टाइम पे मूवी देखते थे, फिल्में देखते थे, पुरानी पुरानी मूवी देखते थे किसकी, जैसे शाहरुख खान है, ठीक है, सलमान खान है, तो उस टाइम पे लेटर देते थे, ठीक है, एक लेटर प्यारा सा पत्थर लिखा होता था, उसमें प्यार भरी बातें लिखी होती थी, ठीक है, मोहब्बत भरी बातें लिखी होती थी, ठीक है, किसी के लिए, ठीक है। तो एक शायरी हम अक्सर बोला करते थे, ठीक है, हरा टमाटर लाल टमाटर जा मेरे लेटर डैश डैश के क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर कहता है कि रूम होता है, उसका घर होता है, ठीक है। तो ये एक शायरी होती थी, एक टमाटर से मुझे याद आया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो टोमेटो की बात कर रहे हैं, टोमेटो की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लाइको परसिकम। क्लास में लग रहा है कि आज सोए तो नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोले जा रहा हूँ यार, लग रहा है आज सोए सोए बच्चे हैं क्लास में। अटेंडेंस तो जरा, कौन कौन क्लास में है, हेलो हाय करो मुझे, क्लास में कौन कौन है, टमाटर पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कोई नहीं है। लाइको परसिकम एस्कुलेंटम, क्या इसका साइंटिफिक नेम है, एक्सक्लूसिव गेम, ऐसे नाम रखे हुए हैं ना, अपने नाम से नाम ही रखते, एक्सक्लूसिव गेमर है, बिग ब्रो है, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, शिवानी सिंह प्रेजेंट है, बिग ब्रो आपके, पता नहीं क्या नाम, चनिका चौधरी है, ठीक है, बिग ब्रो का दिमाग हिल चुका हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, तरह तरह की इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है, पेपर है बिग ब्रो परसों परसों से आपके, ठीक है। उपेंद्र जी भी हैं, ओके, लाइकोपरसिकम मैंने बता दिया साइंटिफिक नेम, ठीक है। सोलनेसी क्या है, इसकी फैमिली क्या है, सोलनेसी क्या है, फैमिली है, ठीक है। बोटेनिकल नेम क्या है, यहाँ पे दे के रखा है, ओरिजिन क्या है, पेरू है, क्या है, पेरू है, प्रांजल ने की, वाह, किन्नौर वाले भी यहाँ पे है, ठीक है, किन्नौर, देखो प्रांजल ने की, मैं आपके नज़दीक से हूँ, मैं करसोग से, मैं करसोग में हूँ आज, मैं मेन बस स्टैंड जो करसोग है ना, अगर आप आए होंगे तो वहीं पे बैठा हूँ इस टाइम पे, मैं बेसिकली करसोग से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, ठीक है, आप नज़दीक आके वाले हो, ठीक है, तो आपसे मैंने सेब मंगा के रखे हैं, पता नहीं आप मुझे कब मिलेंगे, तब तक अपने सेब लाएंगे नहीं लाएंगे आप, प्रांजल ने की। ओरिजिन ऑफ टोमेटो क्या है, पेरू है। फ्रूट ऑफ टोमेटो को क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। रेड कलर इन टोमेटो ड्यू टू लाइकोपिन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से, ठीक है। फ्राइंग किस कर रहा है, किसको कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीन को, फोन की स्क्रीन सामने दिख रही होगी और क्या दिखेगा, फोन की स्क्रीन को ही हो रही होगी, फ्लाइंग किस, लाइकोपिन, रेड कलर किसके द्वारा, लाइकोपिन के द्वारा होता है। पॉपुलर ब्लाइट ऑफ टोमेटो क्या है, रूबी है, ठीक है, फ्लाइंग किस करते जाओ तो किसी करनी पड़ेगी लास्ट में, टोमेटो पोटैटो जब हॉर्टिकल्चर चलेगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की लास्ट क्लास है ये, ठीक है, तो किस तो इसी को करनी पड़ेगी यार, जो अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के अक्षर लिख रहे हैं, ठीक है, इनकी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक चारा है आपका, तभी पेपर में नंबर आएगा, ठीक है। पॉपुलर ब्राइट ऑफ टोमेटो क्या है, पूसा रूबी है, ठीक है, अर्का विकास है। सीड रेट ऑफ टोमेटो की बात करें, 350 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर आपका सीड रेट लगेगा, ठीक है, ये सीड रेट है किसका, टोमेटो का है, किसका है, टोमेटो का है, ठीक है। मेजर पेस्ट ऑफ टोमेटो क्या है, फ्रूट बोरर है, ठीक है, फ्रूट बोरर है, हेली कोवेरा स्पीसीज, इसकी स्पीसीज है, ठीक है। टोमेटो ससेप्टिबल फॉर फॉर फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट की बात करें, जो टोमेटो है ये ससेप्टिबल है फ्रॉस्ट कंडीशन में, के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल आपका है, ठीक है। सेब लेने हम आएंगे तो नहीं, हम नहीं पहुंच सकते हैं, जब आप नीचे की तरफ आओगे तब ले आना आपने, ठीक है यार, किन्नौर कौन पहुंचेगा इतना दूर जाके, नहीं पहुंच जाएगा, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी, ठीक
ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं। एक तो दौड़ दौड़ के पहले हालत ख़राब हो चुकी है, दौड़ दौड़ के क्लासेस में चलते चलते फिरते लेनी पड़ती हैं आपकी मुझे। तो नेक्स्ट, टोमेटो फ्रूट्स जनरली रिगार्डेड एज प्रोटेक्टिव फूड्स, हम इसको कहते हैं। इन एडवर्स कंडीशन टोमेटो क्रॉप इज स्प्रेड विद पीसीपी है फॉर हायर फ्रूट सेटिंग्स। देखो, हमने फ्रूट की सेटिंग ज़्यादा हमें चाहिए तो पीसीपीए के हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें स्प्रे कर देंगे। पंजाब चुराहा इज डिटर्मिनेट वेराइटी ऑफ टोमेटो, एक टोमेटो की वेराइटी है, कौन सी है? पंजाब चुराहा है। ए पीरियड ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाय सडन हैवी इरीगेशंस ड्यूरिंग फ्रूटिंग मे कॉज क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो, अब क्या है, अगर आपकी हैवी इरीगेशन होगी फ्रूटिंग के टाइम पे, तो क्रैकिंग आ जाएगी फ्रूट्स में। आपने देखा होगा आपके जो टमाटर थे, क्रैकिंग यानी कि बाहर से उसमें दरार जैसी आ जाती है, ठीक है, दरार जैसी आ जाती है, ठीक है, अगर बारिश आपकी हो जाएगी इसमें, जब फ्रूट आपका बन रहा होता है। केमिकल यूज्ड फॉर टोमेटो, जूस प्रिजर्वेशन, टोमेटो को प्रिजर्व करना तो हम केमिकल कौन सा करते हैं, ठीक है, सोडियोनी बेंजोएट करते हैं, कौन सा करते हैं, सोडियोनी बेंजोएट करते हैं, ठीक है, हम केमिकल यूज़ करेंगे प्रिजर्वेशन के लिए। सोडियम बेंजोएट भी इसको बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा सोडियम बेंजोएट भी आपको याद रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है बी, यानी कि ब्लूसम एंड रॉट डिजीज आती है, ठीक है, टोमेटो में। डिजीज ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है, किसकी डेफिशिएंसी आती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है। टोमेटो इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि इसको जनरली इसकी जो फ्लावर की डेवलपमेंट है, फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए इसको जरूरत नहीं है किस चीज़ की, किसी चीज़ की नीड नहीं है कि सनलाइट से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा मिले कम मिले, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें होती है टोमेटो में। बेसिकली बॉर्म सीजन क्रॉप, क्या है, बॉर्म सीजन क्रॉप है, ठीक है, मे बी ग्रोन इन ऑल सीजन, सभी सीजन में ग्रो हो जाती है ये टोमेटो, ये भी आपको याद रखना है, इसकी एक करेक्टर है आपका ये। सीड रेट की बात कर लेते हैं, फॉर नॉर्मल के लिए कितना सीड रेट चाहिए, 350 to 400 ग्राम पर हेक्टर आपका सीड रेट लगेगा, हाइब्रिड में 100 to 150 ग्राम आपका लगेगा, ठीक है। वरायटी की बात करें, पूसा रूबी वरायटी है, ठीक है, ये क्रॉस है आपका सियोक्स एंड इम्प्रूव मारुति, जो इम्प्रूव मारुति और इसका क्रॉस से बनाई है पूसा रूबी, पूसा 120 नेमाटोड को रजिस्ट करती है ये, ठीक है। अर्का सौरभ है, पूसा गौरव है, अर्का विकास है, ठीक है, ये वराइटीज़ हैं, ठीक है, हिसार ललित है, ठीक है, बहुत वराइटीज़ यहाँ पे नाम पे है, निमेटेड को रजिस्टर करती है, पहले ही पूछी गई है आपके एग्जामिनेशन में। पूसा शीतल है, ठीक है, और नेक्स्ट आपका SL120 है, निमेटेड को रजिस्टर करती है। रोमा सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी है, रोमा है, ठीक है। परकेयर है, फ्रूट बोरर के लिए को रजिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, पंजाब चुराहा एंड रोमा सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग के लिए है। फ्लेयर सेवर है, डिले राइपनिंग वेराइटी ऑफ टोमेटो डेवलप्ड थ्रो बायोटेक्नोलॉजी इन 1994 बाय कलिजीन कंपनी के द्वारा, ये की थी 1994 में, कौन सी, फ्लेयर सेवर वेराइटी, ठीक है, ये क्या करती है, डिले करती है राइपनिंग वेराइटी ऑफ टोमेटो, डिले राइपनिंग वेराइटी ऑफ टोमेटो आपके राइपनिंग को डिले करेगी यानी कि रोकेगी, ठीक है। ये वैरायटी हम यूज़ करते हैं अक्सर, अगर हमने हमने ट्रांसपोर्टेशन, बड़े लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन हमने करनी हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं। फिर है ब्लाइट ऑफ टोमेटो, देखो बैक्टीरियल डिजीज है ये ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ठीक है। ब्लाइट ऑफ टोमेटो की बात करें तो अर्ली और लेट ब्लाइट इसमें आती है, ठीक है, दोनों के आपको याद रखने हैं। तो ब्लाइट ऑफ टोमेटो की बात करें, बैक्टीरियल ब्लाइट है, इट कैन मैनेज्ड बाई यूज ऑफ कॉपर फंजीसाइड। देखो, ये मैनेज की जाती है किसके यूज से, कॉपर फंजीसाइड का यूज से इसको मैनेज किया जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के यूज से इसको मैनेज करते हैं, 3 ग्राम पर लीटर पानी में आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। बैक्टीरियोमाइसिन 0.1 ग्राम पर लीटर पानी में डालेंगे, और मैनकोजेब तो आपको याद रखना है 3 ग्राम पर लीटर, कैसे हमने अर्ली और लेट ब्लाइट को हमें रोकना है आपको याद रखना है। फिर लीफ कर्न, ये वायरल डिजीज है लीफ कर्न, ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होती है ये, क्लियर है। ये हम बात कर रहे थे इंसेक्ट पेस्ट, इसमें आप हमारे आते हैं फ्रूट बोरर आपका आएगा, ठीक है। फ्रूट बोरर की बात करें, यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है, व्हाइट फ्लाई की बात करें साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका सरपेंटीन लीफ माइनर है, आपका साइंटिफिक नेम दिया गया है। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे फ्रूट क्रैकिंग की बात करें, मोस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपका फ्रूट क्रैकिंग है,
जो कि एग्जामिनेशन आपका पूछ जाता है, कौन सा है आपका, फ्रूट क्रैकिंग है, क्रैकिंग इन टोमेटो फ्रूट्स इज कॉमन, सबसे कॉमन है आपकी रेडियल कंसेंट्रिक क्रैकिंग आर सीवियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इफेक्ट ऑफ सॉयल मॉइस्चर एंड बोरोन डेफिशिएंसी, ठीक है, सॉयल मॉइस्चर को इफेक्ट करेगा और बोरोन की आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी यानी कि बोरोन की डेफिशिएंसी, और सॉयल मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो जाए तब भी हो जाएगी, और फ्रूट फॉर्मेशन होती जाएगी वहाँ पे, बारिश हमारी ज़्यादा होगी, इरीगेशन हम उस टाइम पे देंगे फ्रूट पे, तो भी क्रैकिंग हो जाती है, क्या जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट है ब्लूसम एंड्रॉट, ठीक है, ये जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया ब्लूसम एंड्रॉट का, ठीक है, BER शॉर्ट फॉर्म है, BER इज सीवियर डिसऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस कल्टीवेटेड टोमेटोज, ठीक है, जो ग्रीन हाउस में आपके कल्टीवेट किए जाते हैं टोमेटो वहां पे आपका ब्लूसम एंड्रॉट डिजीज आती है, ये किसकी डेफिशिएंसी आती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या आपका ज्यादा हो, ठीक है, तब आपकी आएगी। नेक्स्ट है पुनीनेस, ठीक है, फ्रूट सरफेस इज जनरली फ्लैटन, जिसका फ्रूट सरफेस को फ्लैट हो जाएगा, एंड लोक्यूल्स आर अनफील्ड विद पल्प एंड सीड्स, लोक्यूल्स में क्या होंगे आपके, ठीक है, उसमें पल्प आ जाएंगे और सीड्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे होता है, अगर पॉलिनेशन क्या हो बहुत ज़्यादा पुअर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर हो, लो और हाई टेम्परेचर हो, क्लियर है। मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ बच्चों के, हम मैसेज आ रहे हैं प्रिंट कैसे करना, क्या चीज़ प्रिंट करनी होगी, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई, यार मैं क्लास में हूँ बच्चों, मैं कैसे रिप्लाई करूँगा, मैं रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है, पूरा पॉलिनेशन। चलिए मैं नेक्स्ट है सनस्क्लैड, क्या है सनस्क्लैड है, ठीक है, ये व्हाइटिश कलर का आपको दिखाई देगा, आपको संकन पेपरी लेसन्स डवर्फ्स ड्यू टू सन हीट, सन हीट के द्वारा ये लेसन्स आपके आ जाएंगे, व्हाइटिश संकन आपके पर पेपरी लेसन्स आपके दिखाई देंगे पत्तों में, ठीक है, सनस्क्लैड के द्वारा एक्सपोजर ऑफ फ्रूट्स टू हाई टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री से, अगर 40 डिग्री से जो टेम्परेचर है, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ आपकी आपकी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कट फेस है, ठीक है, कट फेस है। नेक्स्ट है ब्रिंजल हमारा गया, टोमेटो गया, ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, स्पाइनिच देखता हूँ नोट्स में अगर होगा, नहीं तो नोट्स आपको भेज दूंगा स्पाइनिच के, क्लियर है। उठो जागो हुआ सवेरा तुमको क्यों आलस ने घेरा, रोज रोज सुबह कहाँ को जाते, जिम को जाते, कुकुर बीट से आपका, इसे कुकुम्बर है, मस्क मेलन है, बॉटल गार्ड है, पी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लस्टर बीन है, नहीं है सिलेबस में, नहीं पढ़ाएंगे, पालक नहीं है सिलेबस में, फ्लोरिकल्चर है, चलो छोड़ो स्पाइनिश को छोड़ो, फ्लोरिकल्चर में देखो हमारे पास कौन कौन सी आएंगे, फ्लोरिकल्चर में देखो सिंपल सा, फ्लोरिकल्चर हमारे पास 5 क्रॉपें हैं, ठीक है, 5 हैं, बस आधे घंटे में कवर कर लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा उसमें। फ्लोरिकल्चर यानी कि अगर फ्लावर की प्रोडक्शन हम करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करती है फ्लावर को कौन सी कंट्री है, कंट्री का नाम पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है, 57% यही करती है एक्सपोर्ट, नाम इसका रट लो, ठीक है, अक्षर यहाँ पे रट लो इसका, मेरे से पढ़ी जाती है। लीडिंग फ्लावर प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्री जर्मनी है, ठीक है, इंपोर्ट कौन सी कंट्री करती है फ्लावर को, जर्मनी करती है, क्लियर है। हाँ यार पालक को बोलते हैं स्पाइनेच, बहुत अच्छा याद कराया उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छा करा, देखो यहाँ पे चीज़ें याद नहीं रहती है, ठीक है, तो चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है इतना बिजी हो चुका है, क्योंकि 2 आवर्स सोने के लिए समय है, 2 घंटे, अभी भी क्लास में इतनी नींद मुझे लगी हुई थी, मुझे जिम्हाइयाँ लगी हुई थी क्लास में, अभी स्टार्टिंग में, अब जाकर थोड़ा सा आंखें खुली हुई है, 2 घंटे सोना है, 2 घंटे इतना कंटिन्यू 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 चले हुए हैं काम पे, कंटिन्यूटी में, ठीक है, 2 घंटे सोना, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। देखो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, चलो पढ़ लेते हैं उसको थोड़ा सा, तो उसका ये है यहाँ पे पढ़ लो इसको, ठीक है, बीटा बल्गारिस क्या इसका साइंटिफिक नेम है,
नेक्स्ट वराइटीज़ क्या है इसकी, सीड रेट 20-25 किलोग्राम पर हेक्टर है। वराइटीज़ वराइटीज़ ऑफ पालक, पंजाब ग्रीन, ग्रीन ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन बैठे, पूसा हरित है, पूसा ज्योति है, ठीक है, जोबनेर ग्रीन है, म्यूटेंट वरायटी आपकी है, पूसा भारती है, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी वरायटी आपकी है। चलो फ्लोरिकल्चर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को मोटिवेट करने के लिए अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पार करके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। स्क्रीन ब्लर है। अग्नि लगी है प्राणों में, प्रतिशोध की आस नहीं सीमा मेरे क्रोध की, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। वेरी गुड। स्क्रीन ब्लर है, जल्दी बताओ मुझे, तो नेक्स्ट क्लास लूंगा इसकी फ्लोरिकल्चर की। जल्दी बताओ यार, क्लास में नहीं लूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। सर आप सोलन सेंटर में आना। देखो मैं पहली बात बता दूं, यहाँ पे मैं सेंटर आता हूँ, पहली बात मैं सेंटर आता हूँ, कहीं भी सेंटर में विजिट करता हूँ, बच्चे ऐसे होते हैं कैमरे के पास आते ही नहीं है, फेस नहीं करते हैं, ठीक है। इतना गुस्सा मुझे आने लगता है उस टाइम पे कि बच्चे कैमरा ही फेस नहीं करते हैं, ठीक है। यार मैं तुम्हारे लिए पहुंच रहा हूँ वहां पे, थोड़ा सा फर्ज बनता है आप कैमरे के पास आओ, मिलो आप, ठीक है। तो बच्चे दूर से चले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो आते हैं हमारे पास, बाकी कुछ चले जाते हैं। तो ऐसा ना क्या करें, ठीक है, सेंटर के पास में पहुंचता हूँ, जितने दूर से पहुंचता हूँ आपके पास, ठीक है, दूर दूर से पहुंचता हूँ, तो फर्ज बनता है यार थोड़ा सा आया करें, क्लियर है। जर्मनी क्या है, कंट्री हैविंग लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कैट फ्लावर, कैट फ्लावर की लार्जेस्ट मार्केट कौन सी कंट्री में, जर्मनी में। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, कौन सी, कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरिकल्चर में एरिया आपका है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट हैविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन अंडर, प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में होती है, एरिया कहाँ पे, कर्नाटका का एरिया ज़्यादा है फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फ्लावरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, देखो इंडिया में जो इंपोर्ट की जाती है, ठीक है, फ्लावर, वो यूएसए से 27% की जाते हैं, ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट है, मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया, वेस्ट बंगाल में कट फ्लावर की प्रोडक्शन अभी कहाँ पर थी, वेस्ट बंगाल, क्वेश्चन पहले पूछा गया है, देखो ये मेजर क्वेश्चन है। फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, देखो जैस्मिन फ्लावर सबसे ज्यादा एरिया क्या करता है, इंडिया में कवर करता है, जैस्मिन, ठीक है। जैस्मिन अपनी स्टूडेंट रह चुकी है, जैस्मिन की याद आ गई, ठीक है, जैस्मिन अपनी स्टूडेंट रह चुकी है, ठीक है। जैस्मिन क्या है, फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका होग्रत कोर्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। बुक ब्यूटीफुल गार्डन्स इज रिटन बाय, एक ब्यूटीफुल गार्डन लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा, ठीक है, गुरु रंधावा, MS, ठीक, गुरु रंधावा, ये MS धोनी से, MS धोनी को मिला दो, रंधावा को मिला दो सिंगर को, और एक क्रिकेटर, एक सिंगर, याद रह गया MS रंधावा। HP, BP, पॉल एंड नेक्स्ट नाम क्या है, ये परिया दर्शानी आर वराइटीज ऑफ रोज, रोज की वराइटी है सारी ये, रोज गुलाब, ठीक है, गुलाब, रोज गुलाब, ठीक है। जैपनीज फ्लावर रेज इज नोन एज इक्के वाना बोला जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लूज फ्लावर इन दी वर्ल्ड, जो लूज फ्लावर जो होते हैं सबसे लार्ज प्रोड्यूसर इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, क्लियर है। नेक्स्ट आपका फेमस गार्डन है आपके, कौन कौन से आपके, मुगल गार्डन है पिंजौर में, हरियाणा में, ठीक है, रोज गार्डन चंडीगढ़ में है, ठीक है। देखो बच्चों गार्डन के नाम याद रखो, ठीक है, बाय चांस कई बार आपको कहीं पे डेट पे जाना हो तो गार्डन आपको याद होने चाहिए, देखो डबल फायदा आपके यहाँ पे है गार्डन के, डबल फायदे, तो एग्जाम करेक्ट हो गए होगा, ठीक है, एग्जाम तो करेक्ट आपका हो गया होगा गार्डन से, दूसरे आप डेट में जाना हो तो आप आराम से डेट में जा सकते हो यहाँ पे इन गार्डन में, ठीक है, आराम से जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा होगी, गार्डन होगी, ठीक है, रोज गार्डन में जाओ तो वहीं पर रोज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, सब कुछ वहीं पर रहेगा, ठीक है, तो डबल बेनिफिट है, ठीक है, डबल बेनिफिट है, एक पंथ दो काज, ठीक है, एक पंथ दो काज आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अक्सर दिमाग लगाया करें सभी लोग, देखिए मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में है, ठीक है, देख के रखो इनको, याद करके रखो कि कहाँ कहाँ पे है, रोज गार्डन कहाँ पे, चंडीगढ़ में,
कहाँ पे? चंडीगढ़ में। बट वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे गर्मी के चक्कर में कहीं कुछ आपका हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है। फिर है मंदूर गार्डन है जोधपुर में है, ठीक है, ठीक है। फिर है मुधा जयंती पार्क है न्यू दिल्ली में आपका है, ठीक है। फिर आपका वृंदावन गार्डन है, ये आपका मैसूर में बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन है आपका, ये बिगेस्ट फॉर्मल। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे? लखनऊ पे है। कहाँ पे? लखनऊ पे, क्लियर है। फिर है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग को हमने कैसे है, हमने जैसे गार्डनिंग अपने करनी हो, ठीक है, अपने गार्डनिंग करनी हो अपने घर के आसपास करनी हो, तो एक फॉर्मल स्टाइल होता है, कहाँ पर? इनफॉर्मल स्टाइल होता है। फॉर्मल स्टाइल की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें सिमेट्रिकल हम एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डायग्राम के थ्रू मैं समझा सकता था बट मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पे, मुझे और भी क्लास लेनी है, अभी नाइट को निकलना है, ट्रैवल भी करना है, ठीक है। प्लान इज सिमेट्रिकल, हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल आपको पता है कि कैसे बनाते हैं, पूरा प्रॉपर प्लान बनाएंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस देंगे, हर एक चीज़ हम देंगे सिमेट्रिकल यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मुगल गार्डन में आपको सिमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। पर्सियन गार्डन आपको सिमेट्रिकल है, पिंजौर गार्डन क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो आपने सिमेट्रिकल देखना कि सीधे एक कतार पे सीधे प्लांट होंगे आगे तक, सिमेट्रिकल। इनफॉर्मल स्टाइल में का मतलब क्या होता है, प्लान इज सिमेट्रिकल होगा, इट इज रिफ्लेक्ट्स नेचुरल न्यूट्रलिस्ट टिक इफेक्ट्स ऑफ टोटल व्यू एंड प्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल जापानीज है गार्डन है, इंग्लिश गार्डन है, ठीक है, क्लियर है। फिर है फ्री स्टाइल गार्डन, क्या है फ्री स्टाइल? बिल्कुल फ्री स्टाइल गार्डन के नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा है। कम्बिनेशन ऑफ बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अगर आपका कम्बिनेशन क्या हो, फॉर्मल का भी हो तो इनफॉर्मल भी जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं फ्री स्टाइल, ठीक है, फ्री स्टाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रोज गार्डन ऑफ लुधियाना चंडीगढ़, चार्जिंग खत्म होगी फोन के बजते बजते, कंटिन्यू फोन बजे जा रहे हैं आज, चार्जिंग खत्म होगी, बैटरी लॉस होगी दूसरे फोन की, ठीक है। इंग्लिश गार्डन है ये, गार्डन क्या है, फ्री स्टाइल गार्डन है, ठीक है। फ्री स्टाइल यानी कि मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से। मेन फीचर्स ऑफ गार्डन क्या क्या होते हैं, मुगल गार्डन के फीचर क्या है, उसमें आपके टेरेस बने हुए हैं, रनिंग वाटर वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, बरादरी मिलेगा, हाई प्रोटेक्टिंग वॉल है, देखो सब कुछ है। ध्यान देखो, ध्यान से सुन लो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे डेट के पर्पज से बहुत अच्छा, हाई प्रोटेक्टिंग वॉल वहाँ पे कोई नहीं, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन आपकी अच्छे से होगी, क्लियर है। टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, क्लियर है, ठीक है। जापानीज गार्डन की बात करें, फीचर्स के क्या क्या हैं, इसमें गार्डन लेंटर्न होंगे, गार्डन पगोड़ा यहाँ पे मिलेगा, ड्राई लैंडस्केप है, बेल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है, बुद्धा जयंती पार्क है न्यू दिल्ली में, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है, गार्डन है, इसमें हर्बेसियस बॉर्डर्स आपके, हर्बेसियस इसमें होंगे, हर्बेसियस प्लांट इसमें होंगे, ठीक है। कॉटेज गार्डन होगा, लॉन बना होगा, ठीक है, रॉकरी होगा, एग्जाम्पल पर्सियन गार्डन है, ठीक है। फिर आपका रेस्टरापी गार्डन है, टी गार्डन आपका रहेगा, क्लियर है, या आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है लॉन की बात करें, तो लॉन की बात करें तो लॉन में आपको सिंपल सा याद यहाँ पे रखना है, रिगार्डेड एज हार्ट ऑफ गार्डन इसको कहते हैं, नो गार्डन इज कंप्लीट विदाउट लॉन, लॉन के बगैर कोई भी गार्डन कंप्लीट नहीं है। प्लांटिंग ऑफ ग्रास इन लॉन बाय टर्फ मेथड के द्वारा प्लांटिंग करते हैं हम गार्डन में, इट इज बेस्ट एंड क्विक सेट क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ लॉन, इंडी मेथड यूज्ड टर्फ पीस ऑफ अर्थ विद ग्रासेस। नेक्स्ट है आपका फ्लावर क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी है, रोज है, रोज हमारे सिलेबस में दी गई है, कौन सी है, रोज हमारे सिलेबस में दी गई है। चलो आते हैं गुलाब पे, किस पे आते हैं, गुलाब पे आते हैं, रोज पे आते हैं, आपने सभी ने देखा होगा फिल्मों पे, ठीक है, फिल्मों पे नहीं देखा होगा, घरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, जो अक्सर एक लड़का लड़के को देता है, कई बार लड़की लड़के को देती है रोज गुलाब, ठीक है। रोज स्पीसीज रोसिएसी, ठीक है, रोजा साइंटिफिक रोजा रोसिएसी की स्पीसीज है, ओरिजिन क्या है इसका, इंडिया है, इंडिया ओरिजिन है, ठीक है। रोज नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर, इसको रानी कहते हैं, किसकी, फूलों की रानी। रोज, रोज इज सिंबल ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का, सुंदरता का बहुत ज्यादा अच्छा सिंबल है आपका रोज, ठीक है। नेशनल फ्लावर क्या है आपका, इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है आपका गुलाब, किसका है, इंग्लैंड का। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग क्या है, सेप्टेंबर अक्टूबर है। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, टी बडिंग इसमें की जाती है। बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग, नवंबर टू फरवरी। फ्रूट रोज, रोज हिप्स बोलते हैं, ठीक है, जो रोज का फ्रूट होता है वो हिप्स होता है, हिप्स हिप्स, क्लियर है, ठीक है। गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, गुलकंद जो आपका बनता है वो बनता है आपका पेटल्स एंड शुगर्स इन 1:1 रेशो में लिया जाता है, 1:1 में लिया जाता है।
ठीक है, व्हाइट फ्लावर वरायटी ऑफ रोज इज कौन सी है, तुषार वरायटी है, रेड फ्लावर वरायटी ऑफ रोज इज क्रिम्सन ग्लॉसरी है, ठीक है, थॉर्न्स लेस वरायटी कौन सी है रोज, सारी पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, पूसा मोहित है और कौन सी है, सुचित्रा है, ये वराइटीज है, ठीक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपकी टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लावर पल्सिंग ट्रीटमेंट इज डन, ठीक है, ग्लेडिशियस जो आपकी वरायटी है, ग्लेडिशियस हाइब्रिडोसस आपकी वरायटी है, फैमिली कौन सी आपकी, इरिडेसी फैमिली है इसकी, ठीक है, वरायटी की प्रोपेगेटेड किसके द्वारा की जाती है, टिश्यू कल्चर के द्वारा और क्रॉम्स के द्वारा प्रोपेगेट की जाती है, क्लियर है, ग्लेडुलस वरायटी नहीं आपका फ्लावर है, नेक्स्ट ये भी सिलेबस में आपका है ग्लेडुलस, ठीक है, साइंटिफिक नेम फैमिली है, प्रोपेगेटेड क्रो इसके द्वारा की जाती है प्रोपेगेट, वरायटीज कौन सी इसकी आपकी, प्रिया दर्शनी है, प्रिया दर्शनी ठीक है, दर्शन दर्शनी, हैप्पी एंड देखो बहुत अच्छी वरायटी है, देखो हैप्पी एंड, ठीक है, फ्रेंडशिप देखो बहुत अच्छी वरायटी है, सुचित्रा सारी वरायटी ऐसी है, एक मूर्ख इंसान को याद हो जाएगी, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा हो ना, जो स्कूल भी नहीं गया उसको भी याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट फ्लावर क्या है, क्रायसैंथेमम, क्या है क्रायसैंथेमम, इसकी बात करें डेंथ्रेमा, ठीक है, नहीं डेंथ्रेमा, ठीक है, ड्रेडी फ्लोरा, ठीक है, ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, कंपेस्टी ऐसी क्या है इसकी फैमिली है, कॉमन नेम इसका क्या है, 12 कभी कम हो रहे क्लास में, कभी ज्यादा हो रहे, कम हो रहे ज्यादा, कुछ भाग रहे हैं, कुछ आपके रह रहे हैं। ओरिजिन इसका क्या है, चाइना है, प्रोपेगेटेड रूट सकर्स के द्वारा इसको प्रोपेगेट किया जाता है, वैराइटीज इसकी दी गई यहाँ पे, दियाना है, ठीक है, दियाना है आपका, बसंती है, ठीक है, राजची है, बिरबल सहानी है, इंदिरा है, रेड गोल्ड है, प्रिंसिपल्स हैं यहाँ प्रिजर्वेशन के, देखो पढ़ लो इनको प्रिंसिपल्स को, ठीक है, आपके हैं, मैं इसमें प्रिंसिपल्स आपके प्रिजर्वेशन के हैं, हमारे कौन कौन से कंप्लीट हो गए, हमारे तीन फ्लावर हो गए, मैरीगोल्ड बचता है अभी और कैना बचता है, दो फ्लावर और बचते हैं, लेकिन आप प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल पढ़ लो, देखो यहाँ पे मिल गए, मैं पढ़ा लेता हूँ साथ साथ में पेपर यहाँ पे सिलेबस में, फ्रूट्स कैन बी प्रोसेस्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, हम प्रोसेसिंग करते हैं टेम्पर कैनिंग, प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल पहला क्या, कैनिंग है, कैनिंग हम कब करते हैं, जब कैनिंग में क्या होता है, हमें इसकी प्रोसेसिंग के लिए कैनिंग में 100 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, वेजिटेबल कैन बी प्रोसेस टेम्परेचर, वेजिटेबल के अगर हम कर रहे हैं, फ्रूट्स के हम 100 डिग्री में करते हैं कैनिंग, ठीक है, वेजिटेबल कितने में करते हैं, 115 to 121 डिग्री सेल्सियस में कैनिंग करते हैं, क्लियर है। पास्टुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पूछा गया पास्टुरेशन से, ठीक है, पास्टुरेशन की बात करें तो सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है, पास्टुरेशन में हीटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस, कि हम हीटिंग करते हैं कितने में करते हैं, 85 to 90 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए हम हीटिंग करेंगे फ्रूट्स की, इट किल्स ओनली हार्मलेस माइक्रोब्स को किल करता है, ताकि लॉन्ग समय तक क्या रहे, प्रोसेसिंग में काम हो जाए, प्रिजर्व रहे हमारा फ्रूट, ठीक है। फिर स्टरलाइजेशन हमारा प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हीटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अबव, यहाँ पे हम हीटिंग करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल की दोनों की 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे स्टरलाइजेशन में, ये किल करता है हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को, बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों बैक्टीरिया को किल कर देता है स्टरलाइजेशन। फिर फ्रीजिंग कूलर स्टोरेज 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस में करते हैं हम, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड और चिलिंग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। फिर एक क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसमें क्या होता है, प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड -196 डिग्री सेल्सियस हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ड्राइंग की बात कर लेते हैं, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर को रिमूव करना हो बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है, देखो ड्राइंग में क्या करते हैं, हम मॉइस्चर को हम रिमूव करते हैं, तो ड्राइंग मेथड के द्वारा हम यहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, हीट हम दे देंगे उसमें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है रेसनीस है, किसमिस एग्जाम्पल है, उसमें करते हैं किसमिस में, हम किसमिस आपने देखा इसकी बनती है किसमिस आपकी ग्रेप्स की। प्रिजर्वेशन थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं, हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर एग्जाम्पल जैम हो गया, 60% ऑफ शुगर इसमें आपकी प्रेजेंट होती है जैम पे, ठीक है। अगली की बात करें नेक्स्ट सॉल्ट प्रिजर्वेशन, सॉल्ट कंसेंट्रेशन आपकी 10 to 15 25% होती है सफिशियंट इन पिकल के लिए, 15% आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन इन केमिकल्स, कौन कौन से KMS बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिजर्वेशन केमिकल्स आपका, ये कौन सा केमिकल ऑप्शन में होगा, 500 ppm हम इसमें 0.05% हम इसमें डालते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इज़ यूज अगेंस्ट कलरलेस फ्रूट जूस और पर्प के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सोडियम बेंजोएट है 700 ppm, 0.07% हम इसको देंगे, ठीक है। बेंजोइक एसिड है, ये प्रिजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हम कलर्ड फ्रूट के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑनली नॉन एसिडिक फ्रूट्स जो है हमारा उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन, क्या है फर्मेंटेशन है, ये हम यूज़ करते हैं ग्रेप वाइन के लिए। किसके लिए? ग्रेप वाइन के लिए हम यूज़ करेंगे इसका। हाय शिवम, हाय गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ठीक है। ग्रेप वाइन के लिए हम फर्मेंटेशन यूज़ करें। अल्कोहल 7 to 20% है, इज़ ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज का है, ठीक है। एसेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ताज़ा भी पढ़ा हुआ है, लास्ट 6 semester BSc मैंने पढ़ा हुआ पूरा इसका, एक कोर्स 6 semester में एक कोर्स पूरा इसका प्रिजर्वेशन का है, 6 महीने पढ़ना पड़ता है, उसमें पढ़ा मैंने ताज़ा ये। एसेप्सिस की बात करें, यहाँ तो सिंपल सिंपल है, वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। प्रिजर्वेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिजर्व करता है एसेप्सिस आपका। ऑक्सीडेशन कैन बी चेकड बाय एंटी ऑक्सीडेंट्स के द्वारा यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया आपका, बाकी चेकिंग ऑफ एंजाइमेटिक स्पॉलिंग ब्रांचिंग के द्वारा हम करते हैं कॉलीफ्लावर में, ब्रांचिंग इन कॉलीफ्लावर में करते हैं, जिससे हम एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ लिया अभी। फिर डिफरेंस बिटवीन जैम और जेली में क्या डिफरेंस है, देखो सिलेबस में जैम और जेली दोनों है, ठीक है। जैम जो आपका है, राइप एंड थिक फ्लैसिड फ्रूट्स आर यूज, ठीक है। जैम में अगर हमें जैम बनाना हो तो हम करते हैं उसमें राइप जो पका फ्रूट है और थिक फ्लैसिड फ्रूट है उसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें यूज फॉर्म्ड एंड मच्योर फ्रूट, इसमें मच्योर फ्रूट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे राइप का यूज़ नहीं करते, मच्योर का फ्रूट का यूज़ करें। पेक्टिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पेक्टिन इंपॉर्टेंट नहीं है, पेक्टिन इज नेसेसरी आपकी, 0.5 to 1.0% आपकी पेक्टिन क्या है, नेसेसरी है, क्लियर है। पेक्टिन टेस्टेड बाय एल्कोहल जल मेटर शीट टेस्ट। परमेंद्र जी कह रहे हैं कि आपको जॉब मिल गई है, देखो एक चीज़ है, ठीक है, जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है स्टूडेंट, जॉब क्रिएटर बनना है, ठीक है। मैं जॉब सीकर नहीं हूँ, मैं कभी भी जॉब के पीछे नहीं भागता हूँ, क्लियर है। देखो जॉब की बात होती तो आफ्टर प्लस टू ही मेरी जॉब निकल गई थी नेवी की, ठीक है, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी का निकल गया, मैं नहीं गया, क्लियर है। जॉब ही करनी होती, MBBS की सीट छोड़ी है, ठीक है। 4/30 मार्च मेरे हैं, किसमें, कौन से ईयर में, 2018 में, क्लियर है। वेटनरी की सीट कहाँ से छोड़ी है, राजस्थान से, ठीक है, ऑल इंडिया वेटनरी होता था एग्जामिनेशन उस टाइम पे, क्लियर है। BSc एरेसर की सीट छोड़ी है CSKHP की भी पालमपुर से 2018 में। BSc हॉर्टिकल्चर की सीट छोड़ी है नौनी कैंपस से, सोलन से, ठीक है। ये सारी सीटें छोड़ के बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब क्रिएटर बनना है, प्रेजेंट टाइम से कम 10 to 12 मेरे यहाँ पे काम करते हैं मेरे साथ, ठीक है, जिनको मैं जॉब दे रहा हूँ अभी। और इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है, ठीक है, इन फ्यूचर जो प्लान है, इन फ्यूचर अगर भगवान की दया हुआ, बाकी आपको पता लग जाएगा, जो मेरा गोल है वो आपको पता वैसे भी लग जाएगा इन फ्यूचर अगर चैनल को बहुत सपोर्ट आप करेंगे, ठीक है। अभी मेन फोकस हमारा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। BSc जो ग्रेजुएट्स हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, अप्रॉक्स 2025 तक मेरा टारगेट है कि 2000 लोगों को रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को देना है हिमाचल प्रदेश में, क्लियर है। ये मेरा टारगेट है 2025 तक ग्रेजुएट्स को। बाकी इसके बाद बात करें फार्मर्स हो गया और हो गया, ठीक है, वो प्लान है, बट प्लान में यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा कि प्लान क्या है, ठीक है, वो प्लान थोड़ा सा हटके प्लान है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप का, मुझे क्या ज़रूरत है जॉब की, ठीक है, आराम से। बट ये कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी है, अप्रॉक्स 3 lakh to 4 lakh इनकम मंथली है, ठीक है, तो 3 to 4 lakh इनकम मंथली है, तो मुझे क्या जॉब करने की ज़रूरत है, ठीक है। 3 to 4 lakh इनकम अगर मंथली हो रही है आराम से, तो जॉब की जरूरत नहीं है, वो भी इस एज में, 23 एज मेरी है, ठीक है, तो इस एज में इतनी ट्रांजेक्शन मेरी है। बट 3 to 4 lakh जो जाता है वो मैं स्टूडेंट के लिए ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो देखो भगवान कहते हैं कि मैंने तुझको दिया, तूने किसको कितना क्या दिया, मैंने तेरे को दिया, तूने किसको क्या कितना दिया। अगर भगवान ने मुझे दिया तो मैंने किसको कितना दिया, भगवान मेरी मुझे दे रहा है तो मैं किसको कितना दे रहा हूँ, वो चीज़ मेन होती है, ठीक है, तो वो चीज़ है।
बीएससी तेरे पास काफ़ी स्कोप्स हैं, दिमाग का लगाओ, दिमाग लगा के हर एक चीज़ होती है। मेरे पास इतने कंसेप्ट्स हैं बीएससी तेरे पास, इतने कंसेप्ट्स हैं, मतलब स्कोप्स ही स्कोप्स हैं मेरी नज़र में। हज़ारों स्कोप गिरा लो पूरा दिन निकल जाएगा स्कोप्स में मेरा, ठीक है। स्कोप ही स्कोप है, ठीक है, काफ़ी स्कोप्स हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना काम करते हो, कितनी आपको स्किल्स, देखो स्कोप्स हैं। प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास यहाँ पे खुद के ऑफर्स हैं, करोड़ 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 के ऑफर हैं, 2 करोड़ का ऑफर है, ठीक है, दुबई से 2 करोड़ का, कनाडा से 2 करोड़ का ऑफर है बीएससी एग्रीकल्चर का मेरे पास, जो ऑफर्स यहाँ पे है। डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रगल करते हो, ठीक है। वो बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑफर, एग्री मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट ऑफर है इंडिया के अंदर पे 1 करोड़ तक हाईएस्ट ऑफर है, ऑफर मुझे है, पैकेज है। ठीक है, अभी 3 दिन पहले जो इंडियन क्रिकेटर है सौरभ गांगुली सर, ठीक है, सौरभ गांगुली सर है, उनका मुझे ईमेल आया 3 दिन पहले, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, 3 दिन पहले उनका आया, तो मैंने वो रिजेक्ट किया है। उनके 2 ईमेल आ गई और उनके सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किए हैं, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे देखना, ठीक है। मीटिंग के सर्टिफिकेट, उनके मीटिंग के लेटर्स मेरे पास हैं, उन्होंने मीटिंग पे मुझे दिल्ली बुलाया था बट मैं नहीं जा पाया बिजी होने की वजह से, सौरभ गांगुली सर के साथ जो इंडियन क्रिकेटर्स रह चुके हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात आप स्टोरी पढ़ी हुई है, और उन्होंने सर्टिफिकेट भी मुझे दिया इसका, यूट्यूब का सर्टिफिकेट सौरभ गांगुली सर की उससे मिला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि पैकेज काफ़ी है। बट वही चीज़ें अपने गोल पे, मैं अपने गोल से नहीं भटक रहा हूँ, इसलिए नहीं भटक रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स उनके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है। अभी करोड़ों पे पैकेज पे मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ होती है कि अपने को चाहे मुझे 5 साल क्यों लग जाए, ठीक है, रिजेक्ट सारे ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। FSSAI की बात करें, क्या होता है यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लंबा टॉपिक है, मैं अलग से आपको एक वीडियो लेके आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपको घबराना नहीं है, क्लियर है। तो देखो आपको अगर क्या करना है, आपको सक्सेसफुल होना तो होना होना है, तो आपको अलग चलना पड़ता है, दुनिया से अलग चलना पड़ता है, यूनिक प्रोडक्ट है। अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट बनते हो तो आपकी मार्केट में वैल्यू होती है। अब देखो हीरा क्या है, जो आपका हीरा डायमंड है वो एक यूनिक प्रोडक्ट होता है मार्केट मार्केट में, तो उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट बनते हो जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती है, आप करोड़ों के पैकेज में बिकते हो, आप वो यूनिक प्रोडक्ट बनने की वो करो अलग से। भेड़ चाल नहीं, लोग करते हैं आज के भेड़ चाल, क्या रहा एमएससी, उसने की मैं भी एमएससी करता हूँ, उसने वो क्या मैं भी वो करता हूँ, उसने वो एमबीबीएस करा मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ, यार क्या करोगे। आप किसी भी कोर्स में चले जाओ, देखो आप एमबीए चाय वाला कर देखते हो, चाय बेचता है, चाय बेचता है, ठीक है, प्रोफेशन क्या है। देखो एक चीज होती है, एक होता है धंधे का ब्रांड, धंधे का ब्रांड, ठीक है, ये मैं चीजें एक्स्ट्रा यहां पे बता रहा हूँ आपको। एक होता है ब्रांड का धंधा, एक होता है ब्रांड का धंधा, ठीक है, धंधे का ब्रांड, ब्रांड का धंधा, दोनों चीज में डिफरेंस होता है, ठीक है। धंधे का ब्रांड क्या है, धंधा जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा धंधा है, ठीक है। अब मैं टीचर हूँ, इसी टीचिंग को मैंने ब्रांड बनाना है, क्या बनाना है, ब्रांड बनाना है, उसको बोले धंधे का ब्रांड, यानी कि अपने ही प्रोफेशन को मैंने एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। मैं एक टीचर आपको जो 5 हज़ार महीने कमाता है, एक टीचर वो होता है जो आपका 30 हज़ार कमा रहा है, एक टीचर वो है कि 1 लाख कमा रहा है, एक टीचर वो है कि 1 करोड़ कमा रहा है एक महीने का, एक टीचर वो है कि 10 करोड़ महीने कमा रहा है। उसने क्या किया, अपने धंधे को ब्रांड बना लिया। अगर आपने अपने धंधे को ब्रांड बना लिया, धंधा कुछ भी हो, आप चाय क्यों ना बेच रहे हो, देखो कुछ एम बी चाय वाला, उसने चाय बेची, धंधा था उसका, उसने उसको ब्रांड बना लिया, ठीक है, आप कुछ भी बेच रहे हो, ये थी इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आने वाले टाइम पे इंटरप्रेन्योरशिप इतने आगे जाने वाली है, दिल्ली की बात करो, दिल्ली के स्कूलों में इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये ब्रांड का धंधा, आपके पास से एक ब्रांड है, आप किसी के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी का ऑफर आया, किसी कंपनीज का ऑफर आया कि आपको 1 करोड़ ऑफर है, हमारे ब्रांड के साथ काम करो, मेरा मेरा धंधा टीचिंग, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा, लेकिन ब्रांड किसी और का है, ब्रांड का धंधा होता है, ब्रांड का धंधा, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपके जो सपने गोल है वो आपके पूरे नहीं हो पाते हैं, वो आपको अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। अब मेरा अपना धंधा है, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ी ना किसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग जब मेरा मन करेगा मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। एक इंटरप्रेनरशिप जो होती है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं, मेरा अपना काम है, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं घूम भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, अब औरों के काम पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो इंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो बट इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती है आपकी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर मैं वीडियोज़ आपको लेके आऊँगा आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपको आना है, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, कैसे करना है, ठीक है। और इन फ्यूचर अपना जो प्लान है, अपना प्लान ये है कि जो गरीब बच्चे, पुअर फैमिली हैं, ठीक है,
उनको हमने जो भी उनको शिक्षा उनकी रुके ना, कॉलेज लेवल पे जो उनकी फीस है, जो बच्चा फीस नहीं पे कर पाता है, उसमें मेरा मेन रोल रहने वाला है कि हमने फंड देने स्टूडेंट्स को, ठीक है, फंड स्टूडेंट्स को देने, वो मेरा मेन मकसद है, ठीक है। ये जो आपकी कोचिंग क्लासेस हैं वो कम से कम, जैसे ICR हमने UG बैच अभी पूरी साल का टॉपर बैच हमारा 1000 रुपीज़ में, सिर्फ 999 रुपये में पूरी साल का बैच, एक साल का बैच है, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। नीट का बैच 999 रुपये है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एक साल के अंदर मैं खोलने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें कि बहुत कम फीस होगी, बहुत ही कम फीस पे, लो कॉस्ट पे रखने वाले हैं, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ पाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर टेस्ट क्वालिफाई करता है, उसके बाद कहीं भी कोई भी कोर्स करता है, वहाँ पे फीस की दिक्कत उसको ना आए, क्योंकि MBBS की बात करें 14 से 15 लाख MBBS में लगता है। तो वहाँ पर मैं पूरी उसकी वो बना रहा हूँ, गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल दे रहा हूँ कि मैं फंड उनके लिए कर पाऊँ, ठीक है, उनका जो शिक्षा है उनकी पूरी शिक्षा हो पाए, उनको पैसों की दिक्कत ना आए, ठीक है। जब उनको जॉब लगेगी तो उसके बाद वो दे सकते हैं, वापस रिटर्न कर सकते हैं, ताकि हर एक जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है वो एजुकेटेड हो पाए, ठीक है। वो एक अपना टारगेट है, उस टारगेट पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं जॉब, ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है, शुगर इज एडिड अकॉर्डिंग टू एसिड कंटेंट। देखो यहाँ पे जैम की बात करें, जैम पे हम करते हैं, शुगर को हम ऐड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, एसिड कंटेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे शुगर को, क्लियर है। शुगर इज एडिड अकॉर्डिंग टू पेक्टिन कंटेंट, पेक्टिन कंटेंट के अकॉर्डिंग हम शुगर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स, देखो जो हमने जैम बनाना, जैम कैसे बनता है आपका, एप्पल से बनता है, पपाया को मिक्स करके, टोमेटो और स्ट्रॉबेरी, इससे आपका जैम बना जाता है, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, आपकी जेली की बात करें, ठीक है, फ्रूट डो नॉट मिक्स, हम यहाँ पे मिक्स नहीं करते जेली में फ्रूट को, एग्जाम्पल गुआवा और एप्पल, ठीक है, इनको मिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे हम, ठीक है, जैम में। जैसे टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, फेरनहाइट में देकर रखा है, यहाँ पे सेल्सियस में देकर रखा है, फेरनहाइट में यहाँ पे आपका टेम्परेचर 219 से लेके 221 डिग्री फेरनहाइट, एंड पॉइंट इसका जो जेली का है 221 टू 222 डिग्री फेरनहाइट होना चाहिए, ठीक है, बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस में 105.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका, ठीक है। एसिड की बात करें, एसिड की बात करें, यहाँ पे एसिड आपका 0.5 टू 0.6 आपका यहाँ पे एसिड यूज किया, फ्रूट एसिड यहाँ पे आपका 1.0% यहाँ पे आपका यूज होता है, स्क्वैश आपको नहीं है, ठीक है, स्क्वैश हम नहीं पड़ेंगे, जैम में आपको जेली, आपको केचप है, आपको ये सारी चीजें हैं, आपको ये नहीं, आपको कैंडी भी नहीं, आपको है ना, कैंडी नहीं, आपको कैंडी है, नहीं है कैंडी सिलेबस में नहीं है, क्या फ्रूट प्रिजर्वेशन दी, आर्ट एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, आर्ट एंड साइंस ऑफ कीपिंग फ्रूट्स, एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है, हम कीप यानी कि बचाते हैं फ्रूट्स को, और फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे लंबे समय के लिए, विदाउट डेटोनेशन इन क्वालिटी, ताकि उसकी क्वालिटी खत्म ना हो, ठीक है। आप देखते हो कि एप्पल आजकल निकलते हैं, बट आप सर्दी में एप्पल खाते हो, क्योंकि वो प्रिजर्व किए होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन, क्लियर है, खत्म है, खत्म है। देखो यहाँ पे हमारे पास बचते हैं कौन कौन सी, कैना बचता है, मैरीगोल्ड बचता है, ठीक है, इसके आप जनरली पढ़ भी सकते हैं, उसकी वराइटीज पढ़नी है आपको, साइंटिफिक नेम पढ़ने हैं आपको, दो चीज़ें हमारी बचती है इसमें, बाकी हमारा ऑलमोस्ट हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हमने करना है आपका एनिमल हस्बेंड्री करना है, ठीक है। तो हो सके तो आप रिविजन करके जाएं, मैंने बुक आपको भेज दी है, ठीक है, पूरी इसकी, उसमें एनिमल हस्बेंड्री का पूरा ब्रीड्स आपको याद करनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको याद कर देनी है, क्लियर है। तो बाकी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर में यहाँ पे लाइव आता हूँ आप सभी के लिए, एक एयरवेसर की स्ट्रेटेजी आपको क्या बनानी है एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसको लेके मैं अलग से लगाता हूँ, ठीक है, तो लाइव वीडियो में आऊँगा, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स क्या करें, पढ़ते जाएँ, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, और सभी अपना बेस्ट दें एग्जामिनेशन में, ठीक है, सभी बेस्ट दें, और बाकी डिमोटिवेट ना होए, ठीक है, और सभी बेस्ट अपना एग्जामिनेशन में, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, और बाकी देखते हैं, मैं गारंटी नहीं देता हूँ एनिवर्सल एंट्री की, मैं करवाऊँ ही करवाऊँगा, डिपेंड करता है रात को, अभी रात को भी सफ़र करना है, ठीक है, तो इसलिए अप्रॉक्स मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स हमने जो यहाँ पे कवर अप कर लिया है, अप्रॉक्स 35+ क्वेश्चंस की हमारी तैयारी हो चुकी है, जो जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं 35+ क्वेश्चंस की हमारी तैयारी हो चुकी है, यानी कि अगर बात करें हम 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
140 मार्क्स के में अप्रॉक्स हमारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, इतनी हमारी तैयारी हो चुकी है। अगर आपका ये भी 100% है तो बहुत अच्छा स्कोर ये भी लेके आएगा आपका, क्लियर है। मैं अलग से लाइव आऊँगा, उसमें डाउट पूछेगा, ठीक है, वो मैं सब कुछ बता दूंगा उसके एग्जामिनेशन के लिए। आप लगते हैं ना, आप पूछते जाओ, ठीक है, आप पूछते जाइए उसके लिए, क्लियर है। चलो टाटा बाय बाय। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। इसके नोट्स हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर सकते हो। ICR के लिए, क्रैश कोर्स के लिए 8219842911, ड्रॉपर बैच क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप करें, क्लियर है। चलिए, ओके।